अदनान भाई खटक जी वीडियो एक मिनट वो कैमरा लेके जा रहे हैं बट यहां से ये तुम अगर ये ऐसा हो रहा है ये बट आ जा यहाँ से आगे इतने आने तो इन्हें ले के जाना बेटा आप फिर لو أنزلنا هذا القرآن
Thank you.
की है, बोर्ड की नुमरान भी है। एक तहिया की 8 साल पहले क्या प्यार में फिर ट्रस्ट बुलंद नस्लो तफरीक सारे इलाके की खिदमत करेंगे। और फिर माशाल्लाह देखा 8 सालों में जो अल्पयाल वेलफेयर ट्रस्ट ने किया और तारीख गवाह रहेगी कि पहली दफा चौतरा के अंदर इतना बड़ा चैरिटी का हॉस्पिटल माशाल्लाह चक्री रोड पे बन रहा है। फातिमा तो जोरा मदर केयर चैरिटी सेंटर एंड जनरल हॉस्पिटल, तो वो एक ऐसा निशान हमारे इस कबीले के दोस्तों ने वहां पे बनाया कि जो फॉर एवर रहेगा। तो मैं बात कर रहा था कि आज तजदीद ऐद है। तजदीद ऐद क्या है कि हमने अपनी नस्ल को बरकरार रखना है, खून को बरकरार रखना है, उस मिशन को बरकरार रखना है जिनकी वजह से आज हम यहां पे मौजूद हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि जितने भी अल्पयाल मंच अल्पयाल राजपूत पूरी दुनिया में मेरे बेटे और बेटियां हैं, भाई हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि एक दफा जरूर आप अपने जदे अमजद हजरत राय जलाल खान अल फारूक बाबा अल्पा पीर के मजार पे आए और लोगों की खिदमत के इस मिशन में शामिल हो। बेसिकली हमारा यहाँ के जमा होना ऐद तजदीद करना इस हवाले से कि हम मखलूक खुदा की खिदमत करें और दुनिया में नाम उन्हीं के बाकी रह जाते हैं जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। और यही वजह है कि आज देखिए यहाँ पे कई लोग आए, कई कब्रिस्तान बने, नामो निशान मिट गए, लेकिन जिनके नाम अल्लाह ने जिंदा रखने होते हैं वो फिर मौजूद होते हैं और लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और आज माशाल्लाह 12 साल पहले जो सफर हमने शुरू किया था 2012 में बाबा जी तो यहाँ पे 500 साल तकरीबन पहले तशरीफ आए थे और उनकी माशाल्लाह पूरी नस्ल सारे यहाँ पे जितने गांव यहाँ से शुरू करें तो चक्री और पड़ियाड़ और चच पूरे चौतरा के अंदर मौजूद हैं। और अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस रावलपिंडी में पूरा ये कबीला मौजूद है। हम ऐन तजदीद करते हैं कि इंशाल्लाह उनकी इंसानियत की खिदमत की जो मिशन था उनका उनको उसको जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ये सालाना इत्तेबा भी यहाँ पे होते रहेंगे। मैं अपने अल्पयाल मंच राजपूत कबीले के सारे दोस्तों का मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, इतने सारे मेरे बेटे मेरे दाएं बाएं खड़े हैं, मैं सबका ममनून हूँ, मशकूर हूँ। मैं आप जो सफर साहब रास्ते में भी बात कर रहे थे कि माशाल्लाह हमारे बेटों को भाइयों को जिंदगी दे कि इन्होंने 2 साल में वो कर दिया जो हमने पिछले 8 सालों में नहीं कर सके। अब दौर है आपका, लेकिन अगर लाखों की तादाद में बेटे बेटियां मौजूद हो हजारों की तादाद में कुछ मुनासिब नहीं लगता हमें यहाँ कोई ऐसी बहन चुनाए कि ऐसा पता चले कि बाबा जी का होश शाम हो रहा है। तो मैं एक दफा फिर आप सबका दिल की अथाह करें उनसे मशगूल हूँ, ममनून हूँ। अल्लाह ताला बकरीन जो है चार सब को लंबी जिंदगी दें, आमीन। सरबरा है इन्होंने बहुत, मैं कहता हूँ ये बहुत दलेर और बहादुर है। पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी इनका बहुत बड़ा काम, फिर आपने देखा कि बीमारी की हालत में भी इन्होंने अल्पयाल वेलफेयर ट्रस्ट को जो कि सफर साहब ने इन्होंने बाकी हमारे सारे ट्रस्टीज ने किस तरह उसको चलाया ये इनकी हिम्मत है। सर आपके इस हौसले को दाद देते हैं, मुझे एहसास है कि बड़ी तकलीफ बार हुई है, लेकिन आज 2 क्लैश दरमियान में आगे थे। एक आपको मालूम है कि हमारे बहुत अच्छे मौसम जो मेरी जिंदगी का मिशन है पाकिस्तान स्ट्रीट हो उसके अंदर जो मेरा ख्वाब था कि मैं दुनिया भर के यतीम बच्चों के लिए एक मुनफरद किस्म का क्रेडिट कॉलेज बनाऊ। आज तक पूरी दुनिया में यतीम बच्चों का कोई क्रेडिट कॉलेज नहीं है। आज से ठीक 2 साल पहले तकरीबन 1.5 अरब रुपए की जमीन राजधानी अकबर साहब अल्लाह ताला जन्नत उल फरदौस में आवाज़ फरमाए उन्होंने मुझे दी गुजर खान ने, तो पिछले दिनों वो इस दुनिया से तशरीफ ले गए। आज उनका भी चेहरे में वहाँ पे स्वीट होम के सारे मेरे बेटे वहाँ पे मौजूद हैं जा रहे हैं, मैंने भी 11 बजे वहाँ पे होना था लेकिन इसको भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं मेरे पास इल्फाज नहीं, मैं किसका आपका शुक्रिया अदा करूँ, इसको भी मैं अपना फर्ज समझता था।
मेरा यहाँ पे आना भी बहुत जरूरी था और वहां जाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे एहसास है कि यहाँ मेरे बहुत सारे बेटे मौजूद हैं, मेरे भाई मौजूद हैं, यहाँ पे मेरी पूरी बरादरी मौजूद है, लेकिन सिर्फ वहां पे मैं मौजूद हूँगा और बाकी पूरा गुजर खान मैंने बनाया होगा पे, क्या हमने उन लोगों को भी याद रखा है जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। आप एहसास करेंगे कि 80 किनार जगह जीटी रोड पे बिल्डिंगें बनी हुई सब कुछ, 2 साल पहले उन्होंने मुझ पर इतमाद करते हुए वो मेरे हवाले किया, मेरे बेटों के हवाले किया, लेकिन दुनिया से चले गए, दुनिया से तो सब लोगों ने जाना है लेकिन नाम और निशान की बाकी रहेंगे जिन्होंने मखलूक खुदा के लिए काम किया है। तो मैं एक दफा फिर सर आपका अपने सारे कबीले के बेटों बेटियों का भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको लंबी शक्ति दे, बाकी तकलीफ जाए बाहर होनी है बल्कि सब यहाँ पे मैं भी बात जरूर बैठूंगा बार अल्लाह से कि वहाँ पे बात कितनी बात जरूर करें। तो मैं सबका ममनून मशहूर, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और जो आपने मिशन शुरू किया हुआ है उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द रवाना करेंगे बड़े लेवल पे। थैंक यू वेरी मच। محبت
کہ دین و دنیا و آخرت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد والا آل سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ جمیل لمبی آئے والسلام لا عباد اللہ صالحین آمین اجمعین امرہ مزہ آتا ہے اور الفت آل محمد کو بسا کر سرور ہے
इस बात के दराने में कसम खुदा दिली आप सदमाने में कसम खुदा दिली आप सदमाने में अली अली फातिमा हसन और हुसैन कमाल लोग हैं आप के घराने से कमाल लोग हैं आप के घराने से मोहब्बत के साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह वसल्लम अलैहि हबीब अल्लाह अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है तुम सा तो हसीन देखा नहीं कोई तुम सा तो लताफत है के साया नहीं कोई शान लताफत है के साया नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ये हासिल है जो हासिल है जमी को ये हासिल है जो हासिल है जमी को अपना बेगम बदे हजरा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है हजरत राय जलाल खान रहमतुल्लाह अलैह दी शान बढ़ाए गए तराने दे खालिक ओ तराना जिहड़ा अजकल हर अलप्याल दे ज़बान दे आम है उसके खालिक जनाब चौधरी अदनान रज़ा साहब आप पड़ियाल पंडाली तशरीफ लाए दिल दी अथाह गहराइयां नाल खुश आमदीद कहना इन्हां दे हमराह चौधरी नकाश साहब तशरीफ लाए वेलकम जनाब चौधरी सुल्तान साहब पड़ियाल तशरीफ लाए वेलकम जी आया नूं साड़ी पड़ियाल दी रैली पर चंद कदम दे फासले ते वे ओ जो ही आंदे अंदर सी प्रोग्राम दा आगाज करदे आ बाबता थोड़ी जी परेशानी है साड़ी कौम में अख थोड़ी लेट खुलदी इस वास्ते माजरत चाहने जेडे आप टाइम ना लाग उन्हां दे कोल उन्हां भाइयां दी मदद करने आ बराए करम साल निकल है टाइम रुकड़े करो ताकि ये परेशानी ना हो चंद मिनट बाद प्रोग्राम का बकायदा आगाज हुआ सी राजा वकास भट्टी साहब आफ माउटा मोड़ा पंडाल लई तशरीफ लाए ए राजा वकास साहब बाबा पीर अल्पा रहमतुल्लाह अलैह दे नवासे अपने नाना जान नाल बे इंतहा मुहब्बत और अकीदत रखते हैं और जिहड़ी अलप्याल कबीला की तारीख इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही उस विच इन्हां दा कलीदी किरदार है बहुत मेहरबानी जनाब
तू साडा मान वधाया पंडाल तशरीफ लायो वेलकम जी आया साडी मरकजी मजलिस शूरा दे इंतहाई फाल रुकन चौधरी फैसल ज़ियाद साहब आफ पड़ियाल दे दादा जान चौधरी फजल बेग साहब पड़ियाल तशरीफ लाए वेलकम बाबा जी अल्लाह पाक तुसा लंबी जिंदगी सेहत वाली अदा फरमाए 90 साल तो ज्यादा उम्र है बाबा जी की और अलहमदुल्ला रोड तू चलते पहुंचे जनाब मजार मुबारक दर अल्लाह पाक उन्होंने आए मोहब्बत सलामत रखे चौधरी अब्दुल माजिद साहब अब्दुल माजिद फारूकी साहब पड़ियाल तशरीफ लाए मास्टर इकबाल साहब चौधरी सुल्तान मुबारक साहब पड़ियाल दी मशहूर पजताल फैमिली के सपूत अपने बाबा जी के कदमा च हाजिर होए वेलकम जनाब जी आए जेड़े आप आप पिछे कुर्सियों पर बैठे हैं बराए करम अगा आओ ताकि कोई पंडाल का माहौल बन सके पिछे बैठे आप आप बराए करम अगा तशरीफ ले आओ ठीक है माजिद साहब तुम करीब बैठो तिलावत तुम करनी है अब्दुल माजिद फारूकी साहब करीब तशरीफ ले आओ मोड़ा तू मास्टर शुएब साहब मास्टर हदीप साहब वेलकम जनाब वेलकम जी आए अच्छी कोशिश की अगर कोई नोट से लिख के भेज छोड़ा अदनान रजा सर की तौर पे एक बड़ी तालियां सारे मारो जी अदनान रजा के लिए सब तालियां बजाएंगे जी अदनान रजा हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम आपके शुक्रगुजार हैं इन्होंने जी बहुत बड़ा अच्छा काम किया एक तराना जो है एक गीत जो है वो बाबा जी के इन्होंने बनाया शबीर साहब आपने सुना है माशाल्लाह जी जिन्होंने नहीं सुना वो भी सुने इन्होंने फेसबुक पे भी चढ़ा दिया है व्हाट्सएप पे भी है और बाकी जगह अभी भी सुनाएंगे जी बहुत खूबसूरत इन्होंने वो बनाया है उसमें कुछ गाँव रह गए हैं जिस तरह पिछली दफा मैंने एक कॉलम लिखा था उसमें कुछ गाँव रह गए थे और उनमें खास करके चौधरी नवीद रजा से अभी भी मैं माजरत चाहता हूँ कि कुछ गांव वाकई मेरे उसमें हाँ चंदू वालों से भी बात चाहता हूँ वो असल में हुआ ये तो मैं जो बड़े गांव थे उनके नाम लिख दिए थे बाकी छोड़ दिए थे लेकिन इस दफा इंशाल्लाह कोई गांव भी नहीं रहेगा इसी तरह अदनान रजा ने भी कुछ गांव छोड़ दिए तो उसका वजह ये थी कि इन्होंने कहा था कि वो कोई उसमें आ नहीं रहा था यानी रिदम में नहीं आ रहे थे तो ये चूंकि गुरुकार आदमी ये बेहतर समझते हैं लेकिन भारत आपने रिदम बनाना है दोबारा ये गीत जो है वो बनाना मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ इनका जो एक बहुत अच्छा काम किया इन्होंने और मैं समझ रही पूरे पाकिस्तान में ये सुना जा रहा है जहाँ जहाँ हमारे अल्पियारों के अलावा भी जो लोग हैं उन्होंने भी सुना है तो एक दफा इनके लिए अदनान रजा के लिए फिर तालियां बजा लें मरकजी मजलिस शूरा मंजरा कपूत अल्पियाल कबीला इंतहाई अहम रुकन चौधरी नवीद साहब आप लमेरा नवीद ये रजीनियां तुम देख रहे हो इन्हां विच अगर एक कह जाए कि चौधरी नवीद साहब का खून शामिल है बेजाना होशी गुज़िश्ता एक हफ्ते तूने दिन रात कीते आ अल्लाह पाक इन्हां दी उम्र च इन्हां दी नस्ल च बरकत पाए चौधरी नवीद साहब दे भाई चौधरी वहीद साहब चौधरी जुल्फकार साहब चौधरी अमीन साहब तशरीफ लाए उन्हें पंडाल आमद है वेलकम कहने हैं वेलकम वेलकम जी आए मेरे ख्याल है पड़ियाल करीब पहुंच चुके हैं तराने की आवाज आ रही हो जी ये वही तराना जिसका जिक्र कर रहे सन चौधरी सलीम अमताज साहब ये तराना जेड़ा भाई अदनान रजा गाया तरतीब दिता उस तराने की गूंज पड़ियाल की रैली मेरे ख्याल करीब पहुंच चुकी है पंडाल दे
जे पिछे बंदे बैठे थोड़ा कहो मेहरबानी करो अगर उठियो साढ़े ना अगर सोने सोने लगते हो पे थोड़े ताकि माहौल बने फिर अस काम शुरू करिए इस बार तुम तक कमें सही पाया त्रै स्टेज सैक्टरी हो सगे भी कहीं चक्कर कई जलसे कई जलूसे त्रै जड़े और लेकिन अस थोड़े हस्ते भाई थोड़ा दिल भी भुलिया रहा बैठ रहो पिछली बारी मां ब्रिगेडियर साहब खुशू की तरफ आ गया भी यार तू बहुत गल्ला करना वै तो साढ़े पैसे रह गए मैं कह जिस वारी मैं गल्ला घट करता अपनी जी दो जड़े और बुला के ले भाई थोड़ा ही गिला भी चौथा वैसे ਤੁਲਵਾਲੀ ਮੋੜਾ ਸੰਘਰਾਲ ਤਸੀਰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਬਾਬ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਵਾ ਤੋਂ ਰਾਰਲ ਦੀਵਾਨ ਢਿੱਲੇ ਰਹੇ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਰਲ ਜੀ ਫਿਰਦੇ ਪੈਣ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਗੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਵੇ वैसे तुसी हर साल इंज ही आ गया तो सब कोशिश ही करनी है साहब तरानी दी आवाज थोड़ी हो गई असल चाज अतार है तो अतारे उन्हीं बंद दी आग चढ़ी ना वो लेट खुल दिया कई बंदे मैडे मुलाजम तो वो उन्हीं आदम बेचारे आज झाड़ा लग गया तो इस तो शायद कुछ इंज भी होया तो कुछ कोई थोड़े ढिले भी हो जाए जड़े जड़े हम आए हो उन्होंने गुजारिश की मेहरबानी करो जड़ियाँ कुर्सियाँ खाली पा अग आओ ताकि बकायदा शुरू करिए अच्छा ऐसा वसूल बैंड अल्लाह का जिक्र बेहतर है जेड़े बाप तशरीफ फरमाओ दरूद शरीफ का विरद करो और अपने जिते अमजद रहमतुल्लाह अलैह रूह है साले सवाब करो ताकि साढ़े इतने इकट्ठे होने का हकीकी मकसद पूरा हो सके वैसे तो सुबह बाजाबता कुरान खवानी चार कुरान पाक के खत्म सुबह मजार मुबारक का होए सूरह यासीन शरीफ का खत्म होया बाजाबता दुआ हुई बहरहाल अब आप मेरे बैठे हो कसरत से दुरूद पाक का विरद करो कसरत से दुरूद पाक का विरद करो और अपने अजीम जद अमजद रहमतुल्लाह ताला अलैह रूहां इसाले जवाब करो صلی علی نبی محمد و صلی اللہ علیہ والہ وسلم حیدر یا علی ممبران شورا ایکٹیو ہو جی پڑھیا رہا تے نے ویلکم کرے سو والا इस बार वाकई नहीं पड़ियाल कोई ज्यादा ही नंबर है भाई पड़ियाल की काफ़ी सारी तादाद जिन्हें मैं भी जानना भी बहुत सारे मेरे बाबा जी के पोतरे दोतरे आए रहो अल्लाह ताला सो सारे सलामत रखे आबाद रहो खुश रहो इसी ना ये जी साड़ी रौनक है ये मजार शरीफ तो साड़ा इकट्ठा होना मैं समझ रही यही मुहब्बत और खलूस अल्लाह ताला कायम कायम रखे साढ़े बड़े सन मुहब्बत सिखा गए लेकिन असी भेड़ा पास लगे बहने जी मैं समझा कि इस वास्ते जी जड़ियां सोड़ियां मुक्तन अल्लाह ताला ये कायम दायम रखे पड़ियाल दी एक बहुत बड़ी रैली चौधरी मोहम्मद अफजल खान साहब की क्यादत है पंडाल च आ चुकी है मैं पड़ियाल को आने वाले तमाम मां बाप हाँ दिल दी अथाह गहराइयों नाल खुश आमदीद कहना थोड़े जे लेट हो अगर टुलका हो मेहरबानी करो चौधरी अफजल साहब साढ़े प्याल वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी भी जी तो इस हवाले भी उन्होंने बड़े खिदमात ने तो अज दरबार से आना क्यादत करनी ये भी साढ़े इसमें बड़ी सादत है जी बड़ी खुशी की गल है अल्लाह ताला सारिया भरावान सलून इतफाक प्यार और मुहब्बत जरा वो बरकरार रखे एक गल मैं अक्सर पेश आ कर लो कि जिस तरह साढ़े बच्च बर्दाश्त का मादा जरा वध्या उस दिन असी सारे एक होया सौ असी एक ही दूए बर्दाश्त ना करते एक ही सत्ता भरा होगा वै उस असी नीचा दिखाने लग पाने उस आख लग पाने हाले कि एक बाप की औलाद जड़े ने मैं समझ असी सारे एक बाप की औलाद हाँ साढ़े बाबा जी पीर अनपर अहमद अल्लाह लै एक दर्स दे गए वो दर्स या मुहब्बत पड़ियाल पड़ियाल तू जनाब चौधरी अफजल साहब की क्यादत है
बहुत बड़ी रैली पंडाल दाखिल हो चुकी है। मैं रैली के तमाम शुरुआवा दिल की अथाह करेंगे ना खुश आमदीद कहना। रैली में मौजूद तमाम बुजुर्ग दोस्त भाई मुबारकबाद के मुस्तहको। जाड़ा तू तशरीफ लैके आने वाले भाई साढ़े गवाढ़ी उन्हें भी वेलकम आने हैं। वो तशरीफ लैके आए बहुत शुक्रिया उन्होंने। मेंबर चौधरी उमर जमाल साहब आप जाड़ा वेलकम वेलकम जी आए हैं। कोई पाकिस्तान मुस्लिम काफ़र तलक रखता लेकिन तको नजरियात मुख्तलिफ होने के बावजूद सारे अपना प्यार मोहब्बत रखता खड़ूस है। चौधरी शुएब साहब चौधरी जबरान साहब हाजी यूनस साहब चौधरी अवैस साहब चौधरी दानिश साहब चौधरी जब्बार तारी साहब चौधरी असद साहब चौधरी शहद अयूब साहब चौधरी मोहम्मद ताज साहब वेलकम जनाब वेलकम। चौधरी फयाज साहब चौधरी इश्तियाक साहब लाला इफ्तखार साहब चौधरी जाज साहब चौधरी ताहिर साहब चौधरी मुजीब साहब चौधरी इश्तियाक साहब चौधरी इखलास साहब चौधरी शाहजेब तकी आला। कल सारा दिहाड़ झंडे लेंदे रहे जी जी झंडे तुम नजर आ रहे हैं रोड से बड़ी मेहनत से अमल रहना बच्चे अल्लाह ताला ने खुश रखे। चौधरी असद साहब जल्दी बैठो जी आप सारे बैठो ताकि प्रोग्राम शुरू करिए थोड़ा इंतजार हो रहा है लेट हो तुम जल्दी पहुंचो। अगर चौधरी जाय साहब रुके चौधरी इमरान नखनाल साहब तशरीफ लाइन वेलकम पड़ियाल जी। मिम्बरान शुरा के भी गुजारिश है कि आ जाओ बह जाओ ताकि प्रोग्राम का बकायदा आगाज किया जा सके। तो जवेद साहब पड़ियाल तू बाबा इरशाद साहब पड़ियाल तशरीफ लाइन वेलकम। चौधरी जमान साहब पड़ियाल तशरीफ लाए वेलकम। चौधरी माजिद साहब हमारा मासूम बेटे ने तशरीफ लाए थे बच्चे अपने आंदा करो इतने उन्हें पता लगे अस कौन हाँ की हाँ क्यों हाँ अपनी आने वाली नस्ल अपनी तारीफ को आगाह करो। चौधरी शहजाद साहब पड़ियाल तू एक और काफला आया जी पिछले पता नहीं केड़ा ग्रां आनंद इधर दसे जी केड़े ग्रां के भाई ने जी अजे पड़ियाल जा रही है माजरत। अच्छा हम प्रोग्राम दे बाकायदा आगाज है मैं भाई सलीम अमताज साहब कहना चौधरी लतीफ बजीतिया साहब तशरीफ लाए जी चौधरी जमान साहब चौधरी मुख्तार साहब वेलकम जनाब चौधरी सनवर इकबाल साहब वेलकम चौधरी तसवर साहब चौधरी सनवर साहब इकबाल साहब चौधरी अलादाद साहब चौधरी तसवर साहब बड़ा इहतमाम होया जी और सारे का सारा मैं समझना जी मंजरा चूर चल प्यार कबीले के नौजवानों की सारी कोशिश है उन्होंने बड़ी हिम्मत है पिछली बारी भी और इस बारी अलहमदुल्ला पिछली बारी तो ज़्यादा बेहतरीन काम किया गया। मैं इस इन्होंने सारे का मंजरा चूत अलप्याल कबीले का और अलप्याल वेलफेयर ट्रस्ट का मैं सारे का उन्होंने नौजवानों का खास करके शुक्रगुजार हाँ जिन्हें अपने मेहनत नई न बड़ी तंगदिली और बड़ी तुंदी जरा प्रोग्राम शुरू कराया। अल्लाह ताला इन्हें जजाए खैर दे अपने बाबा जी वास्ते और अपने बाबा जी के बच्चों वास्ते बड़ा वड्डा काम पे कर दे। प्रोग्राम का बकायदा आगाज शुरू कर लगे जी मैं जफर चौधरी साहब जिहड़े
वेलफेयर ट्रस्ट के जनरल सैकटरी और माजरा कबूतर प्यार कबीला के सरप्रस्त आला उन्होंने गुजारिश करना वा कि वह हर स्टेज संभालन ताकि बकायदा थ्रू इसका आगाज किया जाए। जनाब जफर चौधरी साहब संग्रहाल तू साडी बिरादरी दे लोग तशरीफ ले आए जी असी उन्हां सारिआं खुश आमदीद आखदे हां जी आए नूं आखदे हां पिंडाले तशरीफ लिआंदे ने जी संग्रहाल तू साडी बिरादरी दे लोग मैं सारिआं बड़े इतमाम नाल पाउंदे जी उन्हां दे हत्थां च झंडे चाहे और जे उन्हां ते लोगो बने मंजरा कबूत अलप्यार कबीले दे माशाअल्लाह जी इन्हां सारिआं दा असी शुक्रगुजार हां और इन्हों दिल दराइया तो दिल की अथा गराइया तो असं खुशी आखने जी चौधरी फजल साबर साहब जेडे खसूसी तौर पर इस प्रोग्राम में दुबई से जनाब कल पहुंचे रहो इन्हों की बहुत ज्यादा मुहब्बत है बहुत तुम तो पढ़ो बंदा आखने कहीं जरूरी कम है जी बेशक तमाम इज्जतें अल्लाह ताला के लिए हैं। मैं जफर चौधरी जनरल सेक्रेटरी अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट सरपरस्त आला मंझ राजपूत अल्प्याल कबीला अपने जदे अमजद राय जलाल खान अल मारूफ पीर अल्पा की आखिरी आरामगाह के साए तले अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट और मंझ राजपूत अल्प्याल कबीला की तरफ से आप सबको दिल की अथाह कह रहे हैं उसे खुश आमदेद कहता हूँ। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो खालिक है जो राजिक है जो मालिक यौम दीन है जो इंसाफ के दिन का हाकिम है जो बादशाहों का बादशाह है जिसकी हाकमियत लामहदूद है जो बड़ा बारीक बीन है और जो बड़ी गैरत वाला है। तेरे ही नाम से हर एक इब्तदा है तेरे ही नाम से हर एक इब्तदा है और तेरे ही नाम पर हर एक इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह तू मेरे मोहम्मद का खुदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी बाबरकत नाम का जिक्र करते हैं हमारे दरमियान जनाब प्रोफेसर अब्दुल माजिद फारूकी साहब मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान पाक से इस कॉन्फ्रेंस का आगाज फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا
وَلَا تَنَبْ سَسُوا وَلَا يَغْطَبْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَن يُحِبَّ أَحَدُكُمْ واتقوا الله إن الله تواب رحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم बहुत लईम है, आगाज अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान है बहुत रहीम भी। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बहुत से गुमानों से बचो, बेशक बहुत से गुमान गुनाह है, और एक दूसरे की जासूसी ना करो, एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई पसंद करता है अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम्हें इससे घिन आती है? यानी जिस तरह तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने से इश्तनाब करते हो, तुम्हें चाहिए अपने मुसलमान भाई की गीबत हरगिज ना करो और अल्लाह से डरते रहो। यकीनन अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। ए आदम के बच्चों, ए इंसानियत, बेशक हमने तुम्हें
एक नर और मादा से यानी आदम और हवा से पैदा किया। हमने तुम्हारी कौम में कबीले जमाते खानदान और गोते बनाई है ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बेशक तुम में से इज्जत वाला वो है जो अल्लाह के नजदीक मुत्तकी है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, पूरी खबर रखने वाला है। सदक अल्लाह मौलाना लसीम। प्रोफेसर साहब, जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। नबी आखिर जमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए कारी मोहम्मद शहजाद तशरीफ लाते हैं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ का पाठ है। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ मेरे इंतहाई दरीना करम फरमा चौधरी शबीर साहब, जिनसे हमारे घर से का ताल्लुक है। मुझे आपने इज्जत बख्शी, आज इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका दिया। अल्लाह ताला आप तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए। शाहे होवा तू जाने जाना, तू शाहे होवा तू जाने जाना। है चेहरा मुल्क ताब तेरा, न बन सकी है न बन सके सखी है न बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा, तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी है, उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। सत्तर हजार पर्दे जहां में बन जाते तूर लाखों, जहां में बन जाते तूर ला
ਕਬਰ ਦੇ ਦੀਨੇ ਬਣਦੇ आपकी फरमाते ने आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं माशाल्लाह जिंदा लोगों में बैठा हूं सारे बोलिए सुभान अल्लाह छड़ा जावे ते तार दिए पक्की आखिरी शेर ते चौधरी शबीर साहब तुहानू मुखातिब करके तुसी मेरे मेहमान हो तुहाडी दावत ते मैं आया कि चंगी मंदी सजना कोलो सैवारी हो जाती यार यारादा दिला नहीं कर दे यार यारादा दिला नहीं कर दे होती असल फरीद जिना दी चौधरी शाहिद अमीत साहब चौधरी फजल सबर साहब चौधरी शिराज साहब चौधरी असम अजूब साहब चौधरी जैद इशफाक साहब चौधरी अजमल साहब चौधरी तहर अली साहब और दुधवाली मोड़ा को चौधरी मुमताज साहब की क्यादत है भाई तशरीफ लाए वेलकम जी आए नो खुश आमदीद पड़ियाल तू चौधरी अजरम खान साहब चौधरी मजरम खान साहब चौधरी इरफान खान साहब चौधरी गुलिस्तान खान साहब और इन्होंने हमरा दीगर साथी तशरीफ लाए वेलकम जी आए नो और मैं एक गल क्लियर करना चाहूंगा है कि चौधरी अजरम खान साहब और चौधरी मजरम खान साहब के अजदाद पड़ियाल तू 100 साल पहले तकरीबन शिफ्ट हो गया नून इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए इन्हों भाइयों की अपने जितने अमजद न मुहब्बत तो अकीदत का अंदाजा इस गल ला सकते हो कि मजार शरीफ के अंदर जो फानूस नष्ट होया जिसकी मालियत तकरीबन 3 लाख रुपए है वह इन्होंने भाइयों नष्ट कराया अल्लाह पाक इन्होंने भाइयों के रिजक जान माल और नस्लों में बखरा पाए मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि कौमी तराना के लिए अपनी अपनी निश्चितों पर खड़े हो जाएं। कि मैं अपने जते अमजद रहमतुल्लाह अलैह दे औसाफ बयान करूंगा
लेकिन मैं हैरतो इस्तेजाब दी वादी गुमसुम बैठा है सोच रहा सा कि वो जबान की तू आना कि जेडी साढ़े चते अमजद रहमतुल्लाह अलैह दी शान बयान कर सके वो अंदाजे बयान की तू आवे कि जेड़ा आप दी शानो अजमत की तस्वीर कशी कर सके आज सवान है कुल अर्ज है जेड़ा गुलशन सजाया नजर आ रहा इस गुलशन दी आ प्यारी मेरे बाबा जी दे लहू 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 दा कतरा कतरा शामिल है शायर कहंदा रंगी है लहू दे नाल ए चोटी पहाड़ दी एवें ते जिक्र होंदा नहीं मेरी गुलाम दा मेरे कबीले दे सिंह बुजुर्गो दोस्तों दे भाईओ असीं कितने खुश नसीब हाँ और अल्लाह ताला दा जितना भी शुक्र अदा करिए कम है कि साडा ताल्लुक उस कबीले नाल है जिस कबीले की बुनियाद इस मर्द कलंदर रखी यो मर्द कलंदर है कि जेड़ा किसी अल्लाह के वली के हाथ च हद दे है ते पीरे आला बन के निकला है और जिसले मैदान कारजार से जाए तो उस जरी जरनैल का रूप धार गिने कि जिसके सामने टिकना किसी के बस की गल ना हो और जिसले वो हिजरत जाई अजीम सुन्नत जिंदा करे तो तलवंडी को हजारा मील दूर इस इलाके का इंतखाब करे जिसे 400 साल के बाद इस्लाम का किला यानी मुमलकते पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनना और अल्हम्दुलिल्लाह आज बाबा जी की बदौलत इन्होंने उस दूर अंदेश फैसले की बदौलत असि अज माजर ना अज असी अपनी शनाख्त रखने हैं साड़ी जुमला बिरादरी मंझ बिरादरी पाकिस्तान के तूलो अर्ज जी बस्ती चाहिए वो तकसीम के टाइम बतौरे माजर आई पाकिस्तान ने और साढ़े बाबा जी दूर अंदेशी तक हो कि इन्हें पहले ही भांप लिया कि इस्लाम के नाते किला बढ़ना और वो उठ के खा गया बह गए ये सब वो मैं तफाकात नहीं है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निगाह अनायत ही बाबा जी दा और उन्होंने संत है अल्लाह पाक असा भी सारे इस तरह नवाजे आते सामने मोहतरम जिड़ी कौमां कबीले अपना मकसद हयात और मिसबुल ऐन नहीं रख दिया जिड़िया हर सांचे में चल लेंदियां हर दबाव अगर दब लेंदियां और जमाने कभी मौजूद भी कहलांदियां इस आस्ते असा सारे इज्तमाई सोच परवान चढ़ा के इतफाको इतहाद के नाल गर्दश दौरान मुकाबला करना वरना गर्दश जमाना साड़ी शनाख्त मिटा चुकी सी अगर अस चाहते हैं कि साड़िया आने वाली नस्ल जमाने च मौजूद और मुकरम ठहरन तो असा इस मुकाम अपना महवर मरकज बनाना पोसी असि इस मरकज तो जितने दूर होंगे वैसा असि अपनी शनाख्त खोते वैसा मैं एक शेर नजर करना तमाम भाइयों दे जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा यहां की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा और मैं पूरे अल्पयाल कबीले की तरफ हूं सलाम अकीदत पेश करना अल्पयाल वेलफेयर ट्रस्ट से तमाम अहदेदारान कि जिन्हें शपाना रोज मेहनत कर गए पैसा पानी की तरह बहा गए अठ कनाल जमीन खरीद के इतना बाबा जी ने शाया निशान एक आलिशान मकबरा तमीर किया और इस तारीखी विरसे हमेशा से महफूज किया और मजार मुबारक की तमीरात का तीसरा मरला शुरू होना मजार मुबारक की मजबूती और तजीन और आयश तक कौन सा रकम बाकी है जिसे तुझे सारे दिल खोल कैसा पाओ मैं हाजरी नगर अपील करना कि बढ़ चढ़ के मजार मुबारक की तमीरात अपना ऐसा शामिल करो थोड़ी देर बाद तमीरात के तीसरे मरहले का बाजाबता सिता जनाब ब्रिगेडियर जावेद अल्कयाल साहब अपने दस्ते मुबारक फरमाइशन मैं ब्रिगेडियर साहब हाँ बाकायदा फिताह की दावत देने तो कबल
आपकी नजर शेयर करना। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है, वो एक शख्स जो धूप में छाओं जैसा है। मैं आप सबसे इस्तेमाल करता हूं कि खड़े होकर तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें। मौसम मंजरा कूतल प्याल कबीला, हम सबके दिलों की धड़कन, शान ए पाकिस्तान, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अल प्याल साहब, आप आए और अपने दस्ते मुबारक से मजार मुबारक की तामीरात के तीसरे मरहले का बाकायदा इफ्तिताह करें। ब्रिगेडियर जावेद अल प्याल साहब, बड़ा करम कमल साहब आप तशरीफ लें, तो सब आगे आ जाए, कर सब आ जाए, बाकायदा नकाब पुछाई मुगरने साहब अपने दस्ते मुबारक से फरमाएंगे। तामीरात का तीसरा मरहला जो मजार मुबारक के चारों अतराफ आप देख रहे हैं, मजार मुबारक की मजबूती भी चाहिए और इसकी तजयन और आयश भी जरूरी है, इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह हो रहा है। किधर का कैमरा आ गया? बिस्मिल्लाह, तालियां। दुआ फरमा दो जी, अरे सब दुआ फरमा, दुआ फरमाइए। ठीक, अस्सलातु वस्सलाम, तमाम अल्लाह दुआ फरमाए अपने मां बाप को, अल्लाह पाक हमें इस दिन को जारी रखे, जारी हो जाए। पिछली बारी चौधरी सादत साहब चक्री ने एक ऐलान किया है आज वास्ते और पूरा अंदाजी हुई है, उस ना निकलिया चौधरी वकास साहब जिन्हों के अंदर मैं काल ना लिया, लेकिन बदकिस्मती हुई है कि साढ़े इत कोरोना आ गया पूरी दुनिया से, जिसकी वजह से सारे काम बंद हो गए। इस वे चौधरी वकास साहब इतने तशरीफ लिया, असी उन्होंने आयन खान मुहम्मद साहब, जफर इकबाल साहब, इमरान साहब, असद खान साहब, जितने सारे प्याल आए जी ना सारे असं खुश आमदेद आखने हैं। तो खिली तो चौधरी बराज खान साहब आए, उन्होंने भी इस मौके पर खुश आमदेद आखने वा। चौधरी अजरम अल प्याल दी तरफों इन्होंने रेफरेंस आए जी फैसलाबाद तू, उन्होंने तलक भी मंझ राजपूत अल प्याल कबीले नाल है। उन्होंने नाम है जी दिलावर हुसैन साहब, अयाज राजपूत साहब, खावर राजपूत साहब, अदील राजपूत साहब और कलीमुल्ला मंझ ऑफ फैसलाबाद। ये फैसलाबाद तू आए जी, असं दिल दिया गराइया तू खुश आमदीद आखने जी आया नू, तुसा इतने दूरों आए हो जी, अल्लाह ताला तुहाडा सफर अपने बारगाह कबूल करे, बड़ी मोहब्बत बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी, अल प्यालों में हर तरह के बासलाहियत नौजवान मौजूद हैं। इन्हीं नौजवानों में एक नौजवान गुरुकार अदनान रजा अल प्याल ऑफ पड़ियाल हैं। उन्होंने अपने फनी कैरियर का आगाज पाकिस्तान टेलीविजन से किया और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपनी महारत के जोहर दिखा रहे हैं। आप पीटीवी नेशनल अवार्ड के लिए भी नामजद हो चुके हैं। आपने बेहतरीन गुलकार का 2019 का जुड़वा शहरों का अवार्ड जीता है और भी बहुत से एजाजात इनके हिस्से में हैं, लेकिन अदनान रजा ने हाल ही में अपने जद अमजद राय जलाल खान के लिए जो तराना गाया है वो मेरे ख्याल में इनके लिए फन की मेराज का दर्जा रखता है। और हमें कहना पड़ेगा कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आपकी भरपूर तालियों में अदनान रजा अपने बाबा का तराना पेश करने आ रहे हैं जी। अदनान रजा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं थोड़ा मेरी स्टेज तक पंजाबी बोलो थोड़ा घट है, उर्दू बोल के ना करे दाल हो गए। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा जफर चौधरी साहब का, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और ये बेसिक आइडिया भी नहीं करता कि एक ऐसा कलाम होना चाहिए जो हम अपने जद अमजद के लिए बनाएं।
और उसके बाद ब्रिगेडियर जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने स्पेशली मुझे कॉल की और अप्रिशिएट किया, और तमाम जो अल्पयाल वेलफेयर ट्रस्ट के जितने मेम्बरान हैं, मंच राजपूत के जितने भी मेम्बर्स हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली मैं चौधरी अफजल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी मसरूफियात को ना देखते हुए फिर भी जो है वो पड़ियाल को रिप्रेजेंट किया, और आज एक बहुत बड़ा जो पड़ियाल से है वो जुलूस यहाँ पे आया। थैंक यू सो मच। और अभी क्योंकि हम मज़ार के तकद्दस को देखते हुए बगैर म्यूज़िक के इसको करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि जो गांव रह गए हैं, जो भाई नाराज़ है, जिनकी मुझे कॉल आई है कि यार हमारे गांव का नाम नहीं, तो ये मुझे जो नाम गांव के लिख के दिए हैं, ये चौधरी तनवीर साहब देरी से हैं और चौधरी जबर साहब इन्होंने लिख के दिए हैं, अगर कोई रह गया तो आप ये जिम्मेदार होंगे। ठीक है जी। अल्पा पीर साडा सरमाया एदे वरगा होर ना आया, अल्पा पीर साडा सरमाया एदे वरगा होर ना आया, अल्पा पीर साडा सरमाया एदे वरगा होर ना आया, पूरा सुवारू राजपूतां दी शान वधाओ संगराले अलपदी नगरी है, हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, पिंड मलू अलपदी नगरी है, हां जी मेरे बाबा दी नगरी है। थोड़ी सी रिवर्ब कम कर दे, गांव के नाम ही समझ आएंगे। अल्पा साडी जग दी शान राजपूतां दा ऐ मान, अल्पा साडी जग दी शान राजपूतां दा ऐ मान, दित्ती जग ते पहचान ए साडे अल्पा दा एहसान, जसवाल अल्पा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, ततराल अल्पा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, सरे आओ सरे आओ सरे आओ सरे आओ, राजपूतां दी शान वधाओ खिलरी अल्पा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, ढुले आले अल्पा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, पिंड चकरी विच लाया डेरा आके पिंड दा मान वधाया, पिंड चकरी विच लाया डेरा आके पिंड दा मान वधाया, कलमा रब सोने दा पढ़ाया बाबा अलपन धर्म कमाया, तेरी मोड़ अलपा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, चकबेली अलपा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, सियाल भी अलपा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है। अब ये सब राजपूतों के नाम है, आप लोग तालियां तो बजा सकते हैं ना, आप साथ तालियां बजाएं, गांव का नाम आए तो जरूर ताली बजाएं। हां अभी अब रिदम पे थोड़ी सी ताली रिदम पे, राजपूत नाल ला यारी जगते कर देने सरदारी, राजपूत नाल ला यारी जगते कर देने सरदारी, ए ना चाल यारा ते वारी एथे मुकदी है गल सारी, चंडू से अल्पा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, कोलिया अल्पा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, रमदे अल्पा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, छाणवी अल्पा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, ढलियाली मोड़ अल्पा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, ढोक गुजरी अल्पा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, मलुका ले अल्पा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, रह कमरा अल्पा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, गंग भी अल्पा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, गंगाल भी अल्पा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, छछ भी अल्पा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, भद्रा ले अल्पा दी नगरी है हां जी मेरे बाबा दी नगरी है, हकीम ले अल्पा दी नगरी है
हाँ जी मेरे बाबा दी नगरी है, लमेरा अलपा दी नगरी है, हाँ जी मेरे बाबा दी नगरी है, धंधा भी अलपा दी नगरी है, हाँ जी मेरे बाबा दी नगरी है, बिलावल अलपा दी नगरी है, पिंडोरी अलपा दी नगरी है, जादा भी अलपा दी नगरी है। रह गए बता दो यार तेरा क्या लगे, एक रह गए भाई मेरे अपने गांव के नाम रह गए, और वो बजाल आखिर मैं इसीलिए लूंगा कि यार ये ना कहेंगे अपने गांव का नाम सबसे पहले लिया जो ओरिजिनल जो तराना है, तो बड़ियाल के जितने भी दोस्त हैं सारे हाथ खड़ा करेंगे कौन कौन आया। वाह यार प्राउड ऑफ यू, और अभी आप सब मेरे साथ मिलके गाएंगे बड़ियाल अलपा दी नगरी है, हाँ जी मेरे बाबा दी नगरी है, बड़ियाल अलपा दी नगरी है, हाँ जी मेरे बाबा दी नगरी है। थैंक यू अब मैं जिस नौजवान को दावत दे रहा हूँ, इंतहाई बासलाहियत इंसान जिसकी कोशिशों से आज इस काफिला में नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल हो चुकी है, दर्द दिल रखने वाला इंसान, बिरादरी में किसी को जरा सी तकलीफ पहुंचे तो ये वहां मौजूद होते हैं। मेरी मुराद राजा नुमान अरशद सदर मांझरपूत अलप्याल कबीला से है, जिनका ताल्लुक अदवाल से है। उनके लिए सिर्फ इतना कहूंगा, जिंदगी के इब्तदाई दौर में भी कम से कम, जिंदगी के इब्तदाई दौर में भी कम से कम आदमी को अर्श तक परवाज करना चाहिए, और जब जुम्बश में आ जाए परो वाले हयात तो अर्श से परवाज का आगाज करना चाहिए। नुमान अरशद जनाब चोई जफर साहब, जनरल सेक्रेटरी अल्पियाल वेलफेयर ट्रस्ट, सरप्रस्त आला मरकजी मैसे शुरा माई राजपूत अल्पियाल कबीला, और हमारे बड़े भाई कदम कदम से हमारा साथ देने वाले चेयरमैन मरकजी मैसे शुरा माई राजपूत अल्पियाल कबीला जनाब शबीर चोई साहब, और इस पंडाल में मौजूद हमारी मर्जी में से शुरा के तमाम अहदेदारान व अल्पा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के तमाम अहदेदारान, तमाम गांव से आने वाली रैलियों और जुलूस में इस पंडाल में मौजूद हर बुजुर्ग बड़ा छोटा भाई दोस्त सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं तमाम को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये मांझरा अलपूत अलप्याल कबीला के नौजवानों की काविशों से दूसरा सालाना फंक्शन हम यहाँ पे करने में कामयाब हो रहे हैं, और इस भरे मजमे में ये आप खुद ही देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जैद ये चाहत ये जस्तजू थोड़े ही अरसे में इस कलील अरसे में सारे इलाके में फैल चुकी है, और तमाम अहबाब को इस बारे में जस्तजू जरूर है, और हर बंदा अपनी तारीख की बाबत जानना चाहता है और ख्वाहिशमंद है कि उसे पता चले कि हमारे बाबा जी की शान हयात क्या है, हम कब यहाँ पे आए, इस इलाका में आबाद हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बाबा जी यहाँ पे मौजूद 500 साल हो गए हैं। एक सदी के बाद किसी की कब्र मिलना नामुमकिन बात है, 500 साल बाद एक मर्दे कलंदर का यहाँ पे मौजूद होना एक मौजे से काम नहीं है, जो हम सब के लिए एक मरकज महवर का बायस बन के बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे इस सिलसिले में यकजा होकर इसको पूरे इलाके में फलाह बहबूद और बाकी
अच्छाई के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को, और इंशाल्लाह नजीर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने चाहा तो ये सिलसिला बिल्कुल ही गैर सियासी व गैर मसलकी रहेगा, जहाँ पे तमाम गांव से आने वाले मदद लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो तशरीफ लाए और इस पिंडार की जीनत बने। तो इस मौका पे मैं दो चार चीजें ये भी बताता चलूं कि इस प्लेटफॉर्म के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक मान हिस्ट्री रिसर्च काउंसिल चल रहा है सिलसिला, जो कि इंशाल्लाह कुछ अरसे में एक मुफस्सल किताब शाया होगी मांझ राजपूत अल्पियाल कबीला की तारीख पे, जो हमारी आने वाली नस्लों को इस लाभ के बारे में आगाही फराहम करेगी। उसके साथ जो तनवीर साहब हमारे बड़े भाई प्रेसिडेंट हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर अल्पा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के, ये एक तखयल है, एक ख्वाब है जो इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचेगा, और इसी प्लेटफॉर्म के तहत हम ये कोशिश जारी रखेंगे सब मिलके। इसमें आप लोगों की मुआवजत भी हमें चाहिए कि यहाँ पे इस इलाके में बाबा जी के नाम से एक ऐसा इदारा कायम हो, एक ऐसा तालीमी इदारा कायम हो कि जो हमारे बच्चों के लिए तालीम का सिलसिला, जो हमें मुश्किलात उठानी पड़ती हैं यहाँ से शहर जाने के लिए, तो वो हमें सहूलियात अपने इलाके में मिले। तो उस पर काम कर रहे हैं जो तनवीर साहब हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं बाप सारे इसमें शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तमाम बाप का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया नौमान, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। दोस्तों, जब अल्पियाल वेलफेयर ट्रस्ट का क्याम अमल में लाया गया तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने फैसला किया कि हम सेहत और तालीम के शोबा में काम करेंगे। इस चीज को सामने रखते हुए कुछ अर्सा कबल इन नौजवानों ने जनाब प्रोफेसर चौधरी तनवीर अख्तर की कयादत में अल्पा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बुनियाद रखी। मौजूद हाजरीन, अक्सर आपने किसी को अलविदा कहते हुए सुना होगा कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने के बाद आप कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। ऐसी एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर चौधरी तनवीर अख्तर अल्पियाल, सदर बोर्ड ऑफ गवर्नर अल्पा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट से है। नहायत उमदा शख्सियत के मालिक, सबको साथ मिलाकर चलने वाले और अपने कबीला के लिए कुछ करने का आज़म रखते हैं। इनका कहना है, देखना ये है कि कौन आता है साया बनकर, शबीर साहब, देखना ये है कि कौन आता है साया बनकर, धूप में बैठ के लोगों को बुलाया जाए और एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाय के आंगन में भी साया जाए। जनाब प्रोफेसर तनवीर साहब, ब्रिगेडियर जावेद अल्पियाल साहब, ब्रदर मोहतरम चौधरी जफर इकबाल साहब, चौधरी अफजल साहब, कर्नल अजमल साहब राजा साहब, राजा नुमान साहब, ब्रदर अदनान अल्पियाल और अजीजम अदनान और दीगर बाप, फर्दन फर्दन नाम लूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेरी मुराद बाबा जी का हर वो बेटा जो इस पंडाल में बैठा हुआ है, हर एक मेरे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है। और अगर मैं नाम लूँगा तो ये वक्त पे जो है वो नाम लेते ही गुजर जाएगा। सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम, मैं मशकूर हूँ, ममनून हूँ आप सब लोगों का कि आप सब लोगों ने मुझ पर इतना बड़ा एतमाद किया और एक ऐसा इदारा जो बाबा जी के नाम के ऊपर जो है वो कायम होने जा रहा है उसकी जो है वो सरबराही मुझे सौंपी। मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि देखते हैं कि मेरे खून में कितनी तासीर है, अगर तो मैं वफा कर सका इस हस्ती से तो कहूँगा जी कि अल्पियाल हूँ, और अगर कोई इसमें रखना आया तो वो मेरी जो है वो कमदर्दी होगी
वो मेरी ज़ात पर जो है वो एक मनफी अमल होगा। कोशिश यही है कि हम इंशाल्लाह सब मिलकर काम करें, और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे अबाओ अजदाद ने जो ख्वाब देखे थे वो आज पूरे हो रहे हैं। ये मदार जब इसकी तामीर इब्तदाई तामीर शुरू हुई मिड 60s में, तो उस वक्त भी लोगों ने ख्वाब देखा था कि ये कबीला इकट्ठा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका जो है सारा क्रेडिट जमरत खान साहब को और ब्रिगेडियर जावेद इकबाल जावेद साहब को और जनाब जफर इकबाल चौधरी साहब को जाता है, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम लोग जिस भी शोबे में अपने का राय नुमाया जो है उनको एक तरफ रखते हुए अपने अपने जद अमजद के लिए, अपने जद अमजद के नाम को जो पहले ही रोशन है, जो बुक है नूर है, उसे मजीद जो है वो रोशन कर सके। हम इस वक्त जो है वो दो इदारे हैं जिनको जो है वो दामे दरमे सपने मैं जो है उसकी मदद कर रहा हूँ, अल्पयाल वेलफेयर ट्रस्ट के अम्ब्रेला में। एक माझ राजपूत अल्पयाल कबीला है जो कि हमारी यहाँ पे जो बैठे हुए बाप हैं, इनको जो है जो ये पंडाल आज जिन लोगों ने सजाया है ये सब उनकी काविशें हैं, उनको जो है वो हम किसी सूरत जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं समाजियात का तालिब इल्म हूँ और किसी भी समाज को सुधारने के लिए, उसमें बेहतरी लाने के लिए लोगों का मुनज़्ज़म होना बहुत ज़रूरी है, और जिस अंदाज में माझ राजपूत अल्पयाल कबीला की मरकजी मजलिस शूरा ने चौधरी शबीर साहब की सरबराई में और सरपरस्त आला जनाब जफर इकबाल चौधरी साहब की जो डायरेक्शंस हैं उसमें इतना बड़ा जो है ये एक पंडाल सजाया है, ये यकीनन जो है वो सताइश के काबिल है। जो दो जिन दो इदारों का मैंने नाम लिया उनमें से एक है जी मंच हिस्ट्री कौंसल। ब्रदर अजीज नुमान ने यहाँ पे नाम लिया जी कि हम जो है वो हिस्ट्री अपने जद अमजद की जो है वो सवाने मुरतब कर रहे हैं। बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, बहुत सारे जो है वो अहबाब ने काम पहले किया हुआ है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक मुस्तनद तारीख जो है वो सामने लाएं जिसके ऊपर किसी को कोई एतराज ना हो, और हम सारे अहबाब को साथ लेके मशावरत के साथ मुतफिका तौर पर जो है एक मुस्तनद जो है वो सवाने मुरतब करें। हम चार अरकान उसके ऊपर उसमें जो है वो काम कर रही हैं, जिनमें है जी मेरे साथ नासिर खान मंच मौजूद है जो आज यहाँ पे नहीं आ सके, वकास भट्टी साहब मौजूद हैं जी रैका मैराथन का तलक है, इनके ननियाल जो है वो अल्पयाल हैं, और हम जो है मंझ राजपूत भट्टी राजपूत की जो है वो सब कास्ट हैं। नासिर खान चौधरी फिलहाल से हमारे पास मौजूद हैं, ये हमारे साथ मेम्बर हैं और मैं इसमें जो है वो कौंसल में शामिल हूँ, और हमने जो इस वक्त तक काम किया उसमें जो है राय जलाल खान की बरकत मुनव्वर मौजूद है, लेकिन पांच बेटों में से किसी बेटे की कब्र के बारे में कोई मुस्तनद हकायक मौजूद नहीं है, रवायात मौजूद हैं, हमने तलाश जारी रखी हुई है। नासिर खान और मैं हम मुख्तलिफ कस्बों का मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का आर्कियोलॉजिस्ट के साथ जो है वो दौरा कर चुके हैं, और इस पंडाल में बैठे हुए किसी शख्स के पास भी कोई रवायत कोई चीज़ मौजूद हो कि जी इनके बेटों इनके पोतों में से किसी की कब्र कहाँ पे मौजूद है, तो अज़राए करम हमें जो है वो ज़रूर बताइएगा ताकि हम जो है इस काम को आगे बढ़ा सकें, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। राय जलाल खान जब इस इलाके में आए तो ये तकरीबन 1560 जो है वो 1550-1560 का जो है वो इलाका, यहाँ पे बहुत सारी कौमें मौजूद थी। राय जलाल खान ने यहाँ पे बड़े बावकार अंदाज में जो है वो अपनी जिंदगी गुजारी। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने जो यहाँ पे मौजूद लोग थे उनके साथ मुज़ाकरात किए और अदम तशद्दुद का रास्ता जो है वो अपनाया, और जिन्होंने जो है वो राय जलाल खान के साथ जो है वो शरारत का सोचा उनको फिर उन्होंने जो है वो बड़े आनी हाथों से निपटा, और यहाँ से जो है वो दरिया ये जो दरियाए स्वां के इर्द गिर्द का इलाका है जिसे हम वादी स्वां कहते हैं इससे निकाल बाहर किया। तो ये है ये थे हमारे जद अमजद, उन्होंने हर लम्हा जो है
वो अपने मजहब को दीन को जो है वो सामने रखा, अपने तशख्स को जो है वो कायम रखा। और आप ये अंदाजा लगा लें कि कई हजार साल पहले, कई हजार मील का सफर तय करके यहाँ आने वाले और यहाँ पे पहले से मौजूद ऐसी कौमें जो कई हजार साल से इस इलाके में मौजूद थी, उनके दरमियान आना और फिर अपना तशख्स जो है, अपनी शख्सियत को जो है उसका जो है वो एक मयारी अंदाज में जो है वो बनाना और फिर उस शख्सियत के जो है असरात उनका 600 साल तक कायम रहना जो है, ये किसी आम आदमी का, किसी आम इंसान का काम नहीं है। और इसी वजह से आज हम यहाँ जमे हैं। दूसरी बात मुख्तसरन चंद अल्फाज जो है उसमें इसको समेटता हूँ। अल्पा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग जो है, हम चाहते हैं जी कि राय जलाल खान के नाम के ऊपर हम जो है एक यूनिवर्सिटी कायम करें। इब्तदान हमने जो है वो होमवर्क शुरू किए हुए है और कुछ हफ्ते कबल चौधरी अफसर साहब से बात हुई थी कि अगर कोई कुछ हुकूमती इदारे जो खाली पड़े हुए हैं उनमें से कोई जगह हमें मिल जाए तो हम जो है वो कम से कम एक सब्जेक्ट में जो है वो BS शुरू कर सकें और रफ्ता रफ्ता जो है वो जमीन की तलाश की, जमीन जो हमें मिल जाए तो हम यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं। हम इंशाल्लाह हर उस शख्स को इज्जत की निगाह से देखेंगे जो किसी भी तरह से अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ या माजरा यूथ अल्प्याल कबीला के लीड के तरफ जो है वो दस्ते सावन बढ़ाएगा। मैं इन अल्फाज के साथ अपनी जो है वो बात खत्म करता हूँ। चौधरी साहब मौजूद हैं, मुझे मुख्तसर वक्त दिया गया था और इंशाल्लाह जो है मैं मौजूद हूँ। जब भी किसी को कहीं पे भी कोई हिस्ट्री के हवाले से कोई चीज मिले या तालीम के हवाले से हम कोई काम कर सकते हो तो इंशाल्लाह मैं जो है वो हाजिर हूँ। आप मुझे बताइएगा, हम इंशाल्लाह जो है एक मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ेंगे और वो दिन दूर नहीं जब राय जलाल खान मेमोरियल यूनिवर्सिटी बनेगी इंशाल्लाह। फीमान बहुत शुक्रिया। हजरात और राम के दरमियान थोड़ी सी इंटरप्शन आई है। हमारे अजीज चौधरी मेहताब आलम ट्रैफिक वार्डन जिन्होंने पिछले अरसे में बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, उनके लिए अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट ने एक शील का इतमाम किया है। उन्होंने ड्यूटी पे पहुंचना है और मैं चाह रहा हूं कि ब्रिगेडियर साहब और चौधरी शब्बीर साहब आए और उनको अपने हाथ से शील दें और बाकी कार्रवाई फिर हम आगे चलाएं। अमल से पूरे कुरान को अमली तौर पे साबित भी कर दिया तो कौन सी नहीं अच्छी बात अब आप कह सकते हैं। अच्छी बातें कही जा चुकी हैं, अमल बाकी है, अमल बाकी है। इसलिए हजारों अच्छी बातें करने से बेहतर है कि एक अच्छी बात पे अमल कर लिया जाए। तो वो अच्छी बात ही मैं अब करने वाला हूं क्योंकि मैंने मुझे वो समझ आ गई थी तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको भी समझाऊं और मेरी कोशिश होगी कि ये इसी पर मेरी तकरीर का इख्तिताम भी होगा। जैसी सूरत ऐन वैसी सूरत गैन, बस एक नुक्ते दा फर्क ते भुली फिरे को नैन। एक नुक्ते ते गल मुकली है। और उर्दू के शायरी से मोहब्बत रखने वाले, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरूम से मुजरिम कर दिया। एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, एक नुक्ता, इसे बात इधर की उधर हो जाती है और गलत सही और सही गलत हो जाता है। क्या ये अजीब बात नहीं है कि जिंदगी के इख्तिताम के करीब हमें पता चले कि जितनी जिंदगी गुजारी थी वो गलत गुजारी थी और ना हम वापस हो सके ना हम उसे ठीक कर सके और हम इस पछतावे के साथ दुनिया से चले जाएं। काश के हमें अच्छी बात का पहले इल्म हो जाता। ये पछतावा बहुत बड़ा पछतावा है कि मैं लाहौर पहुंच जाऊं लेकिन जाना मैंने पिशावर था तो लाहौर पहुंचकर अब ना मैं पिशावर जाने का मेरे पास वक्त बाकी रहे, ना मैं वापस जा सकूं, ना मैं आगे जा सकूं। तो बातों को असल वक्त पे समझना कामयाबी है। तो मैं एक फौरन मिसाल लेकर आ रहा हूं। आज 28 फरवरी है, आज इतवार का दिन है। अगले इतवार देखें, अल्लाह ताला ने एक चीज का राज रख लिया है, हम में से किसी को नहीं पता कि हमने दुनिया फानी से जाना कब है, किसी को नहीं पता। जाना कौन सकता है, किसी ने एक घंटे के बाद है, किसी ने एक महीने के बाद है, किसी ने 10 साल बाद है, 50 साल बाद है, लेकिन इल्म नहीं है हमें। ये इल्म महफूज कर दिया अल्लाह ने, यह तुम्हें नहीं पता, एक दिन मुकर्रर है लेकिन ये मुझे पता है तुम्हें नहीं पता। लेकिन इसके अंदर एक राज छुपा हुआ है जी। अगर हमें पता लग जाता ना कि हमने कब मरना है तो हमारा हम फिर तो ये कि जदोजहद तरक्की भी रुक जाती है। अगर किसी को ये भी पता लग जाता कि मैंने 2 साल बाद मरना तो तब भी मायूस हो जाता कि मेरे पास तो 2 साल रह गए। लेकिन ये राज रखने में एक कोताही भी हो गई हम सब लोगों से कि हमने इस नुक्ते को नहीं समझा। मैं नुक्ता समझाना चाहता हूँ जी।
अगर आज हम ये महसूस कर लें और ये तय पा जाए कि अगली इतवार को मैं अपने ऊपर ये मिसाल बांधता हूं कि मैंने मर जाना है, मुझे ये पता लग जाए कि नेक्स्ट संडे मैं इस दुनिया पे नहीं हूंगा, तो क्या तब्दीलियां मेरे अंदर आएंगी? पहली तब्दीली तो ये आएगी कि मैं चाहूंगा कि अगर कोई उधार किसी का लिया हुआ तो वापस कर दूं। दौलत जमा करने की ख्वाहिश शायद मेरे अंदर नहीं रहेगी। बहुत अच्छे कपड़े बनाने पहनने और मेरे ख्याल में जो मेरे पास फालतू लिबास होंगे वो मैं तकसीम करना चाहूंगा। सोऊंगा तो कैफियत परेशानी की, जागूंगा तो लगेगा कि मौत के करीब होता जा रहा हूं। खाने पीने में कम से कम दिलचस्पी, झूठ बोलने से खौफ ज्यादा हो जाऊंगा, हसद और गीबत करते हुए कांपने लगूंगा कि ये मेरा कि नेक्स्ट अखबार को मैंने मर जाना। दिल दुखाते हुए बड़ा मुझे मसला होगा, गलतियां माफ करना शुरू कर दूंगा। मेरे अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां आएंगी। मेरी अगर 80 कनाल जमीन है तो फिर मैं 10 कनाल और खरीद के 90 कनाल नहीं बनाना चाहूंगा, बल्कि 80 कनाल के अंदर मैं ये सोचूंगा कि अगर मैं कुछ चीजें तकसीम कर दूं या कुछ विरासत में कोई अच्छी चीजें ऐसी जाएं जो किसी को फायदा हो जाए, वो मेरे लिए सदका जारी हो जाए, ऐसी बातें सोचने लगूंगा। क्योंकि मुझे पता है मैंने नेक्स्ट इतवार को मर जाना है। जो जो दिन करीब आएंगे मेरी कैफियत बढ़ेगी, तब्दीलियां आएंगी, आ रही है ना ये तब्दीलियां। सिर्फ सोच करके नेक्स्ट इतवार को मर जाना, मेरा एक सवाल है एंड पे, क्या हम सबको वाकई ये पता है कि हम अगली इतवार तक जिंदा रहेंगे? क्या पता है? लेकिन खुदा की कसम ये कैफियत तारी नहीं हो रही। क्यों नहीं तारी हो रही? क्योंकि मौत से बेखबर है हम सारे, इसलिए शायद हमें लगता है कि हम 70 साल और जी जाएंगे या शायद मौत आएगी ही नहीं। यकीन करें कि मौत एक ऐसा फलसफा है जिसे याद करके बंदे की किरदार साजी होती है। हम अगर ऊपर यही वो नुकता है, जैसी सूरत ऐन वैसी सूरत गैन, बस एक नुकते का फर्क थे भुली फिरे को नहीं, ये हम भूल गए हैं कि हमने मर जाना है। तो मैं एक चीज अच्छा, और ये मेरा नुकता था, मुझे यकीन है मैं समझाने में कामयाब हो गया हूंगा। अब मैं ये ज्यादती होगी कि मैं एक बात और ना करूं, फातिमा तो ज़हरा अस्पताल में जब जू ही गाँव की तरफ आता हूँ तो मैं उसे देखता हुआ जाता हूँ, वो जिस तरीके से उसकी दीवारें और छत और उसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने की तरफ जा रही है। देखिए मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि माँ और बच्चा, इसके लिए ये अस्पताल कायम किया गया है। एक इंसानियत की जान बचाओ, पूरी इंसानियत की अपनी जान बचा दो। एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान की जान बचाने के लिए ये जो अस्पताल बनाने जा रहे हैं, मैं पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट को इसकी मुबारकबाद भी देता हूँ कि ये जो सोच और फिक्र थी इनकी कि इन्होंने माँ और बच्चा, देखें हमारे खवातीन हमारी इज्जत और आबरू और जो बच्चे हैं वो हमारी कुल कायनात हैं, तो इन्होंने सबसे पहले उनकी हिफाजत के लिए एक मंसूबा सोचा है। और ये बहुत बड़ा मंसूबा है जिसपे मैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन 26 करोड़ से भी ज्यादा मालियत का ये मंसूबा है। मेरा ख्याल है कि हमें इस इदारे की, ये जो हमारा अस्पताल बनने जा रहा है, इसकी मुझे लगता है कि इसका इदराक और बसीरत कुछ सही तरह से हमें नहीं मिल सकी। मैं ये समझता हूं कि देखें अगर एक खातून है या एक बच्चा है उसकी हिफाजत से बड़ी क्या हिफाजत हो सकती है। मैं तो हैरान हूं कि इन्होंने वो बात सोची कि हमें इस पर फख्र करना चाहिए। और प्लस ये कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन ये है हमारी ही नस्लों की बेहतरी के लिए। तो मैं ये चाहूंगा इसके अंदर, एक तो आप बड़े आगे बढ़े, ये मनसूबा किसी एक बंदे का, 10 बंदे का, 100 बंदे का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा मनसूबा है। लेकिन इससे फायदा मुझे पता है कि हमारी नस्लों ने, आपके बच्चों ने और उन खवातीन ने जिनकी जो हमारी इज्जत और आबरू और हमारी शान है, उन्होंने इससे फायदा उठाना है। तो इसके अंदर तो भरपूर तावन करें, ठीक है, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर हम इस मनसूबे को कहीं इग्नोर कर दें या नजरअंदाज कर दें। और इसको फायदा तकमील तक पहुंचाने के लिए मेरा ख्याल हम सबको इस वक्त में खड़े हो जाना चाहिए। ये थी। और आखिरी बात, मैंने एक छोटी सी नजर ये आज 3-4 दिन पहले लिखी थी, तो मैं चाहूंगा कि वो मैं आपकी नजर पेश करूं। और ये पीर अल्पा राय जलाल और पीर अल्पा जदे अमजद, उनके ये भी मैं ये डेडिकेट करता हूं, और जो जितने लोग यहां बैठे हैं इनको भी डायरेक्टली मैं डेडिकेट करता हूं। तो जब मैं लिख रहा था तो मैं लिख रहा था लिखना चाहूं भी तो क्या लिखती, असल में वो जो नहीं लिख पा रहा था वो तहरीर में शेर में ही आ गया। लिखना चाहूं भी तो क्या लिखूं, कैसे इस हस्ती का मुद्दा लिखूं,
इजहार मुझसे हो नहीं सकता वरना इसकी हर अदा लिखूं। इब्तदा से लिखूं फसाने दिल और फिर उसकी इंतहा लिखूं, उसका मुस्कुराना अमर कर दूं और फिर उसका बोलना लिखूं। तू जहां भी रहे खुशी हो साथ, आप जहां भी रहे खुशी हो साथ, मैं तो आरिफ बस यही दुआ लिखूं। थैंक यू वेरी मच। जिसमें खाका की सूरत में इंसानी जज्बात को उजागर किया गया है और हमारे अल्पयाल फनकारों ने एक ऐसा खाका तैयार किया है कि जिसमें बहुत अहम पैगाम दिया है। आप इस खाका में इंसानी जज्बात की बहुत गहरी झलक देखेंगे। पेश कर रहे हैं हमारे फनकार डॉक्टर तहसीन जमाल आफ पड़ियाल और चौधरी शौकत रजा आफ पड़ियाल। आज ही डॉक्टर तहसीन जमाल अल्पयाल रेडियो टीवी के अदाकार हैं और रेडियो का मशहूर किरदार ताया जमाल दीन भी यही परफॉर्म करते हैं। चौधरी शौकत रजा पड़ियाल से ताल्लुक है, होम्योपैथी डॉक्टर हैं और वजारत खजाना में असिस्टेंट के अहदे पर फाइज रहे हैं। तशरीफ लाएं और आप लोग गौर से देखें। हेलो साउंड चेक। वालेकुम सलाम जी बुजुर्गो। हाँ जी पहुंच गए हो? जी अल्लाह का शुक्र है पहुंच गए। मैं तो पता ही कौन है कि ये कॉन्फ्रेंस है तो जाकुत पे मोटरसाइकिल चलाते मैं पूरा ब्रेक लाई ले जी। अच्छा अच्छा जेड़े बाबा जी क्यों मोटरसाइकिल आगे आ मैं तो बतेरा शायद होना खबनी इजराइल मन अपना पैग खड़ा मोटरसाइकिल तो मख किधर चारी की किने आज आज इन्होंने बाबे ने मारी तो वसा आज कॉन्फ्रेंस है मैं तो कम निकला सा करूँ। यकीन करो बाबे ने ना सुनिया ना तो कम ही पड़ गया मैं क्यों मां भी खड़ो मेहनत की तू लगते रोड तक पता ही को भाई इतना कोई बाजार है कबर है नहीं है फिर इन्होंने नौजवानों बुजुर्गो कोशिश की है अज तक मजार थलिया रौनक लगी है तुम तक रहे हो मेरा लगा अल्लाह पा के मेरे चलते रहने जे तो तुम बुजुर्गो 85-90 साल थोड़ी उम्र उसी कम अज कम तो तुम कोई थोड़ी जी रोशनी पो बाबा सरकार के बारे जी। ये बाबा पीर अब्बा सरकार जी ने बाबा राय जलाल खान ये जिस तरह सिंध चाहते ना बाबुल इस्लाम सिंध है इस इलाके का बाबुल इस्लाम ना ये बड़ा इस्लाम की तालीमात बड़िया बड़ी बड़ी खुशी है कोई नौजवान ने सुना इन्हें याद रखना चाहिए सारे मौसम बड़ी खुशी हुई ओ बिच गल तो सा की मैं घर को काम कर रहा सा बस और काम भी याद नहीं आऊ बुला बैठे हो जी वो मैं जो सुनाया ना बाबा ने बुला दी दी दिले सुकून मिला तो फिर मैं काम याद आया काम है या भाई अपना कोई इधर मोबाइल वाली दुकान है नजदीक मोबाइल की बड़ी दुकान है जी केड़ा दौर है मोबाइल की दुकान ना है ए तो ना लो पर है मोड़ा है चलो करने भी चंगे मार्केटा भी वाले
ਚੱਕਬੇਲੀ ਕੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਬੇਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਏ ਤੂੰ ਬਾਬੂ ਚੱਲਾ ਏ ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਕਬੇਲੀ ਵਜੋਂ ਦੀ ਚੱਕਲੀ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਕੋ ਪੌੜੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰਾ मदद कर ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਰਾਠੇ ਨਹੀਂ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਖੀ ਪੜਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲੇ ਤੂੜ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਣਾ ਨਾ ਇਹ ਇਹ ਵਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਜਰਾ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ 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 ਭਾਈ ਕਿਸਾ ਕਰਸਾ ਕਰਸਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ ਬਚ ਗਿਆ ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਲੂ ਲੈ ਆਏ ਪੈਣ ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਕਿਉਂ ਖਾਓ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਓ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀ ਪੀਤਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਕੱਲ ਆ ਗਈ ਕੋਈ निकाल क्यों नहीं होगी उन्होंने आवाज क्यों नहीं होगी ये मोबाइल खराब है मोबाइल बिल्कुल ठीक है बुजुर्गो ठीक होवे हो सकता उन्होंने मोबाइल खराब हो चार पुत्र मोबाइल खराब हो गया सारे चार पुत्र खराब हो गया नहीं हो सकता ये भी तो हो सकता तो कोई अज का जमाना बचे मसरूफ होंगे मसरूफ हसन करो मसरूफ हो सुन मसरूफ इतने हो गए बहु प्यो भूल गए ना मैं सोचता सन जिस वेल मैं छुट्टी आता सन निके निके होंगे बटाले च बाहर आ रहे जे आ सर पुल ने आता ना पुल ने आता निके जर आते सारे आते अब आ गए बटाले च बाहर आते बोरी आ गए बोरी आ गए बोरी आ गए और भी मैं हूँ या बोला और सिर्फ ही होया वो मैं थोड़ा मोटा तो कमजोर हो गया तो वो जवान हो गए तकड़े हो गए रिश्ता तो हो गया ना मैं हर टाइम उन्हें जैसे दुआ करना और ठिकार याद करना उन्होंने याद होगी कि कैसी गल कितने मसरूफ हो गए फिर मोबाइल खराब है मोबाइल खराब है बुजुर्गो सॉरी परेशानी भी समझ गया सारा बचपन भी गल सॉरी समझ गया हालात बहुत खराब हैं तुसी बड़े दुखियारे हो मैं सारी सॉरी गल दी तह तक भी पहुंच गया तो तुसी इस मजमे कोई पैगाम दो शायद कोई नौजवान बैठे होने इतने कई होर बुजुर्गों के मोबाइल मार्केटों खराब होन ते के पता होन ठीक हो तो मत थोड़ी नसीहत कोई पता ना पै कोई नौजवान ना पै बच्चा मेरी ये नसीहत है ते मां प्यो बड़े कीमती हीरे ने इन्हां दी कदर करो एक बारी लग गए फिर नहीं लभदे ते नाले
ਮਾਂ ਜਸੂਲ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਪਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਪਉਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਣ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਆਵਾ ਜਮਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਕੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅਜ਼ਲਾ ਤੂੰ ਏ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਲਾ ਤੂੰ ਏ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਜਦ ਬਾਪ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਰੋ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਰੋ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਬਾਪ ਜੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਹਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਜਦੇ ਬਾਪ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਜਦ ਬਾਪ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੂਰ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿ ਅਭੀ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਆਪ ਲੋਕ ਸੰਭਲ ਜਾਏ ਜੋ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਖਤਮ ਕਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋ ਸਮਝੇ ਯੇ ਵਕਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਯਹੀ ਮੰਝ ਰਾਜਪੂਤ ਅਲਪਿਆਲ ਕਬੀਲਾ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਨ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਇਹ ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਹੋਈ ਮਦਦ ਆ ਕਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੋਸਤੋ ਔਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਹੈ ਆਜ ਤਾਰੀਕੀਓਂ ਕਾ ਰਾਜ ਫਿਕਰੋ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖੈਰਾਤ ਚਾਹੀਏ ਯਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖੇਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲੀਮ ਓ ਤਰਬੀਅਤ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਸ਼ਬ ਰੋਜ਼ ਮੁਨੱਵਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਲਪਿਆਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰਫ ਅਮਾਨਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ ਕਾ ਤਾਲੁਕ ਦੁਲਿਆਲ ਸੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਦੁਲਿਆਲ ਸੇ ਜਿਸਨੇ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮੈਂ ਕਈ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਏ ਹੈ ਮੈਂ ਅਬ ਦਾਵਤ ਖਿਤਾਬ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਅਲਪਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰਫ ਅਮਾਨਤ ਕੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਔਰ ਆਪ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਸੇ ਉਸਕੋ ਸੁਣੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਹੋਂਗੀ ਇਸਮੇ ਪੈਗਾਮਾਤ ਸੁਨਾ ਹੈ ਬੋਲੇ ਤੋ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਫੂਲ ਜੜਤੇ ਹੈ ਸੁਨਾ ਹੈ ਬੋਲੇ ਤੋ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਫੂਲ ਜੜਤੇ ਹੈ ਯੇ ਬਾਤ ਹੈ ਤੋ ਚਲੋ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਅੱਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਔਰ ਨਿਹਾਇਤ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਐ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਉਨਕੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕੋ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਵ ਅਲਾ ਆਲਿ ਮੁਹੰਮਦ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਲਤੀਫ ਜਜ਼ਬਾ
जो जिसको मैं खुद बहुत महसूस कर रहा था और मैं भी एज ए ऑडियंस शायद वही चीज़ महसूस कर रहा था जो सब आप महसूस कर रहे थे। तो मैं इस मैंने अपनी तकरीर को यकसर तब्दील करके इसके अंदर एक चीज़ इसी खाके से मुंसलिक है जो मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ। एक बच्चे की कहानी है कि जो मैट्रिक उसने पास किया और शहर में चला गया कि मैं कोई नौकरी तलाश करूँ, तो उसे पुलिस में एक सिपाही की नौकरी मिल गई। कद काट भी उसका बहुत अच्छा था, तालीम कम थी, तो कहीं उसकी माँ बहुत सारी गांव की खवातीन के दरमियान बैठे हुए, जब वो छुट्टी आया कहीं महीने के बाद, तो वो दरवाजे से छुप कर देख रहा था कि उसकी माँ बात क्या कर रही है। तो वो ये बात कर रही थी मुख्तलिफ खवातीन से कि मेरा पुत्र सब को बड़ा अफसर बन गया। तो कहता है मैं ये बात सुन रहा था, मैं बड़ा परेशान हुआ कि माए मरवा दिया मुझे, मैं तो सिपाही हूँ, ये सब को बड़ा अफसर लफ्ज माँ ने बोल दिया था, पर अगर कोई एक खातून जवाबन ये कह देती कि तेरा पुत्र तो बड़ा अफसर नहीं है, तो मेरी माँ का मान खुल जाएगा। वो बच्चा वहीं से वापस हो लिया और अपने अफसर को जाके सलूट मारा और कहा जी सबसे बड़ा अफसर मैं कैसे बन सकता हूँ, मेरी माँ का मान खुल जाएगा। उसने कहा जी पहले तो इंटरमीडिएट पढ़ो। तो मैं पढ़ता रहा, दिन रात पढ़ता रहा, और बीच में जब तकलीफ होती थी बहुत पढ़ पढ़ के, तो कहता था माँ ने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया, खवातीन में बैठ कर ये जुमला कह दिया कि मेरा पुत्र तो सबसे बड़ा अफसर बन गया। तो कहता फिर मैंने इंटरमीडिएट पास किया, फिर जाके पुलिस अफसर को सलूट मारा, मैं बड़ा अफसर कैसे बन सकता हूँ। उसने कहा जी आप ग्रेजुएशन करो, उसके बाद CSS करना पड़ेगा। तो कहता है शब रोज पढ़ता रहा और रात की तारीखी में छुट्टी लेकर रात को जाता था कि कहीं उन खवातीन के सामने जो जिनके सामने मेरी माँ ने कहा हुआ कि मेरा पुत्र सबसे बड़ा अफसर बन गया है, कहीं शर्मिंदगी ना हो जाए मेरी माँ। तो मैं मुख्तसर करूंगा कि ये मेरी तकरीर का हिस्सा नहीं था, लेकिन खाका की जज्बाती कैफियत से आपको मैं बाहर नहीं निकालना चाह रहा था, तो मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं अटैच करूं साथ। मुख्तसर ये है जी कि वो सबसे बड़ा अफसर बन गया। तो उसने अपनी एक गाड़ी ली और कुछ सिपाही उसके साथ थे और सबसे बड़ा अफसर था, और दिन की रोशनी में उसने वो गाड़ी रोकी अपने गाँव में घर के करीब, और उसकी माँ मुख्तलिफ खवातीन के दरमियान खड़ी हुई थी और दूर से कह रही थी वाला गौर सुना देखो इन्हें तू सबसे बड़ा अफसर कौन है। तो तमाम औरतों ने कहा कि इस विषय कोई शक नहीं, तेरा पुत्र सबसे बड़ा अफसर है। तो अब यह था कि उस बच्चे ने 5-6 साल शब रोज मेहनत के बाद अपनी मां के मान को रख ली। मैं इसी बात से अपनी तकरीर का आगाज वापस होकर करना चाहूंगा, क्योंकि यह मेरी तकरीर का हिस्सा नहीं था। सबसे पहली बात है कि अल्पयाल वेलफेयर ट्रस्ट और मंज राजपूत कबीला ने जो बहुत बड़ी इसकी कंट्रीब्यूशन है, कहीं जल्दी में ये ना हो कि हम इसकी इसको सही खराज तहसीन पेश ना कर सकें। अल्पयाल वेलफेयर ट्रस्ट और मंज राजपूत अल्पयाल कबीला का मैं भी जाती हैसियत में शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें अदब करना सिखाया, इन्होंने हमें बाअदब बनाया, और इससे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कोई नहीं हो सकती। ये फैजाने नजर था या मकतब की करामत सिखाए, किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी, ये वो फरजंदी जिसमें इलामा इकबाल यहां खुद अगर देखा जाए तो वो जान नहीं पा रहे कि ये वजह क्या है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने ख्वाब में तुम्हें ज़िबा करते हुए देखा है, और हजरत इस्माइल जो है वो मुस्कुराते हुए कहते हैं तो चलो फिर ज़िबा करो, और फिर वो हद है फरमा बरदारी की कि जो अल्लाह ताला को इस कदर ज्यादा पसंद आई कि हजरत इस्माइल तो ज़िबा ना हुए लेकिन दुनिया के इख्तिताम तक करोड़ों जानवर ज़िबा होते हैं उस कुर्बानी की उस शनाख्त के पीछे। तो ये अदब की दास्तान है ईद उल अज़हा पे जिसका आप मुज़ाहरा देखते हैं, और अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद है। तो मैं सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म से मुतलिक जितने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसमें ये दो नाम बहुत काबिल जिक्र हैं, अल्पयाल वेलफेयर ट्रस्ट और मंज राजपूत अल्पयाल कबीला के जो नौजवान हैं, कि इन्होंने हमें बाअदब बनाने में हमारी मदद की है। अपने आबा अजदाद के साथ अकीदत रखना, वहां से इंस्पिरेशन लेना, ये बाअदब होने का एक सिलसिला है और इससे हम कट चुके थे। मैं दोबारा एक छोटी सी बात करूंगा कि असल में हम अपनी तारीख से 300 साल कट चुके हैं। यहां तारीख के लोग बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं कि बरतानिया
کہ جب پورے گریٹ بریٹن کا برے صغیر پہ قبضہ تھا اور ملکہ وکٹوریا گونجتی تھی برطانیہ سے 1861 اگر اس کو یاد ہے پورا برے صغیر اس کے انگلینڈ کے انڈر تھا اور علامہ اقبال غلام وطن میں پیدا ہوئے 1877 میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ 200 یا 300 سال میں کتنی جنریشن پیدا ہو کر دوبارہ مر جاتی ہیں؟ 1, 2, 3. ہم 250 سال کی یاداشت کھو چکے ہیں. ہماری ایک نسل پیدا ہوئی, انہوں نے انگریزوں کو دیکھا حکمران, پھر ایک نسل پیدا ہوئی, پھر دیکھا انگریزوں کو حکمران, پھر ایک نسل پیدا ہوئی تو پاکستان بنا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 نسلیں غلامی کے اندر انگریزوں کو حکمران دیکھتے ہوئے ظفر ہے الکیال. یہ دونوں شخص اسی سے یہ سانو فون کرتے تھے آ جانے, لیکن یہ نہ دا دن رات یہی مشن ہے کہ کسی طریقے نال بریگیڈیئر صاحب ہر جگہ تے جا کے ساڈا ایک گروپ بھی بنے, اس سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ کتنے کس طرح فنڈز آ رہے ہیں. اور وہ سارے فنڈز میں سمجھا میرے ٹرسٹیز نے خود جڑے دیتے, اس کو علاوہ یہ تو تھوڑے جن جڑے ٹرسٹیز نے دیتے, لیکن جڑے بھی اس کو علاوہ جتنا بھی یہ بلڈنگ کسی تک پہنچی وہ سارا کریڈٹ چودھری ظفر اقبال اور چودھری اپنا بریگیڈیئر جاوید الپیال صاحب کو جانا ہے جنہوں کی کوشش کی وجہ سے تک چل رہے ہیں. میں آخر میں یہ کہنا چاہنا کہ دیکھو ہر بندے کو چاہیے کوشش کرے اپنے علاقے واسطے اپنے لوگوں واسطے. اتھے یہ الپیال ویلفیئر ٹرسٹ جس نے بنیا اس کے بعد یہ منج راجپوت قبیلہ سامنے آیا, اس کے وچ میرا خیال ہے جس طرح عارف صاحب نے دسیا کہ انہاں سانو ادب سکھایا کہ اسی اپنے, میں تھانوں یہ یقین دلانا کہ میں فوج وچ کچھ 26 سال گزارے اور اس کو پہلے بچپن میں جتھے آیا صاحب انگلینڈ چلا گیا, نہیں سی پتا کہ جی ساڑے بابا جی بھی اتنے ہیں بھی اسی کوئی الپیال, صرف یہ پتا سی جیڑی میں اگے پہلے بھی گل کی تھی کہ اسی ڈاڑے بڑے ہیں تو کوئی ساڑے نہ لوکھا ہوگا تو اسی چھوڑ دینا راج کو من جانا, صرف یہی ہے کہ جیڑا پڑے ہیں بعد اس ڈا دے اس باہر دے. یہ ایک بچپن میں جیڑی چیز سیکھی تو جتھے جتھے گئے ہیں تو یہ پتا سی بھی اسی الپیال ہاں, لیکن شاید الپیال ساڑے, لیکن یہ نہیں سی پتا کہ ساڑے بابا جی ماشاء اللہ پیر بھی سن اور انہوں لوگوں اچھی چیزاں سکھائی ہیں پیرنٹ تو علاوہ بھی, وہ جنگجو تو ہے ہی سن ٹھیک ہے فائٹر سن ماشاء اللہ, لیکن وہ ایک پیر بھی سن لوگوں دعا بھی دے دے سن اور لوگوں یہ بھی دستے سن کہ کس طریقے کا جس طرح کا اللہ اور نبی رسول کا جڑا دسیا گیا طریقہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارو. تو یہ الپیال ہونا میں تو اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرنا اور آئی ایم شیور کہ تم بھی سارے کرتے ہو, کوشش کرو کہ ایک دوے کی مدد کرو. اور وہ یہ جڑا ہسپتال بنتا پہ ہے اس وچ میں ریکویسٹ کرسا کہ سارے بھائی بڑھ چڑھ کے جو اس بڑی جو ہو سکتا ہے اس بڑی کو وہ تسی اس وچ کنٹریبیوٹ کرو تاکہ یہ تواڈے واسطے بننا ہے, تواڈے بچے واسطے بننا ہے, فیملی واسطے بننا ہے تاکہ اسی اس کو کر سکیے. بہت مہربانی, آخر بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. کہ وہ رائے جلال خان رحمتہ اللہ تعالی علیہ دا فرزند ہے بس چودھری غلام باز صاحب سے ہاتھ ہوئے جی. اچھا میں نے میسج ملیا کہ چودھری افضل صاحب کو گل کرنا چاہتے ہیں, دعوت دیتی جائے. چودھری افضل صاحب علاقہ بھرتی معروف سیاسی سماجی شخصیت, ان کسی طرف دے محتاج نہیں, علاقہ ہستے اور برادری ہستے جس ٹائم بھی انہوں کر گزرنے کا موقع ملیا انہوں لازمن کچھ کیتا تے برادری علاقے کا بے انتہا درد دلی سموئے ہوئے. میں بلا تاخیر چودھری محمد افضل صاحب ہاں انتہائی مختصر وقت واسطے دعوت دینا کہ اس وہ اسٹیج تو انہوں نے اپنے خیالات ادا کر. چودھری محمد افضل پڑیال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام الپیال ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی
सरप्रस्त प्रेसिडेंट, इनके लिए मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं, इन दो शख्सियात के लिए खसूसन ब्रिगेडियर जावेद अल्प्याल साहब और जफर चौधरी साहब के लिए। इनके साथ जो मोहब्बत है, इन्होंने जब इब्तदा की अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट की तो बानियों में मैं भी ट्रस्टी हूं। मुझे ये फख्र है कि मैं इनकी क्यादत में अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट का बानी बना। यहां जितने बुजुर्ग भाई दोस्त बैठे हैं, तमाम गांव से जो आए हैं अल्प्याल बरादरी के, और जो हमारी ये यूथ है मंच राजपूत अल्प्याल कबीला की, आज की इंतजामिया अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की इंतजामिया और अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट का मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया, ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। मैं एक अदना सा वर्कर हूं अपने इस कबीले का भी, और मेरा एक पार्टी से तल्लक है उसका भी एक अदना सा वर्कर हूं, और हमेशा कोशिश रही है कि अपने इस इलाके की पसमानगी को दूर करने के लिए, अपनी इस बरादरी की पसमानगी को दूर करने के लिए जो कुछ बन सके वो काम करूं। मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद असगर मरहूम, उन्होंने एक लंबा अरसा इस इलाके में गुजारा, बहसियत पुलिस अफसर रिटायर्ड थे, लेकिन हमा वक्त वो उस चीज पे रहे कि जो भी उन तक पहुंच सका उसकी जितनी खिदमत कर सके उन्होंने की। आप देखें कि उनकी मौत एक शहादत देती है कि वो किस हद तक अपने उन दोस्तों भाइयों अपने इलाके के लिए आजिज थे, खिदमतगार रहते थे, कि अल्लाह ताला ने उन्हें असर की नमाज जुमरात का दिन बाजमात नमाज में अल्लाह ताला ने उन्हें कबूल किया। ये हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज था कि अल्लाह ताला ने उनको एक इतनी अच्छी मौत दी। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जिस तरह अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट हॉस्पिटल की बुनियाद पे रखी है, उस पर काम कर रहे हैं, हम सबका फर्ज बनता है कि इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट हों उनको हम सीरियस लें, उन कोशिश करें जितना मुमकिन हो सके। वो एक एसेट हमारे इलाके के लिए बन रहा है, उसको पाए तकमील जब होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला मैं आज के स्टेज से ये यकीन करता हूं आप भाइयों पे भी कि इंशाल्लाह ताला इस हॉस्पिटल के लिए आप भरपूर तावन भी करेंगे। जिस तरह फर्स्ट स्टेज पे अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट था, तो सेकंड स्टेज पे मंच राजपूत अल्प्याल कबीला ये हमारी यूथ आई। इस यूथ ने बड़ी एफर्ट की, और ये जो आज की कॉन्फ्रेंस का इनका सेकंड कॉन्फ्रेंस का हम कर रहे हैं उसमें इस यूथ का बड़ा किरदार है, इनकी बड़ी मेहनतें हैं, काविशें हैं, जिसकी वजह से ये कामयाब इनका हो रहा है। मेरे भाइयों बुजुर्गो, अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट मंच राजपूत अल्प्याल कबीला अपनी जगह काम कर रहा है, उसी तरह इस खानदान का जो भी फर्द अपने वक्त की इक्तदार के साथ मुंसलिक हो उस पर भी चंद फराइज है, उनके भी जिम्मे कुछ कर्ज है इस खानदान का, इस इलाके का। मैं आज से दो दिन कबल ब्रिगेडियर जावेद अल्प्याल साहब और चौधरी जफर साहब से मिला, तो वहां बैठकर एक तजवीज सामने आई कि गवर्नमेंट से मेन रोड से दरबार तक रोड लिया जाए। तो मैंने खान साहब से कल मशावरत की,
उन्होंने इस चीज को ओके किया कि आप इसका सर्वे एस्टिमेट करवाएं। इंशाल्लाह ताला मैं ये रोड जरूर दूंगा, इसकी कंस्ट्रक्शन पे जो भी लागत आएगी वो मैं गवर्नमेंट की तरफ से दूंगा इंशाल्लाह ताला। और उसके साथ साथ ये भी तजवीज सामने आई कि इस रोड का नाम राय जलाल खान रोड रखा जाएगा इंशाल्लाह। सिर्फ जिन लोगों की रास्ते में कुछ जमीने हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भाई हमारे साथ तावन करें, जितना जल्द ये मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि रास्ते की निशानदेही जो कुछ भी है वो तमाम दोस्त यहां से जो जफर साहब और बरगेल जावेद साहब जिन भी दोस्तों की ड्यूटी लगाएंगे वो मेरे साथ कोऑपरेट करें। इंशाल्लाह ताला हम जल्द इस रोड का नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस से पहले पहले इसको मुकम्मल करके और इसकी ताकि आइंदा जितने दोस्त हैं उनके लिए मसाइल ना हो रोड के लिए। मैं आखिर में आज की फिर इंतजामिया का इंतहाई मशकूर हूं कि उन्होंने मेहरबानी की, आपसे मिलने का मौका मिला। और मैं आज की जो ये हमारी यूथ है मांझ राजपूत अल्पयाल कबीला, इनके लिए अपनी तरफ से 1,00,000 रुपए का ऐलान भी करता हूं। शबीर साहब, शबीर साहब स्टेज पर तशरीफ ले हैं और सेक्रेटरी फाइनेंस मुनीर अफसर साहब, मजार मुबारक की दी तामीरात वास्ते चौधरी अफजल साहब कुछ नकद रकम, चेयरमैन मरकजी मजलिस शूरा कबीला शबीर चौधरी साहब दे और ब्रिगेडियर जावेद साहब दे और दफर चौधरी साहब दे हवाले करन लगे। अल्लाह पाक इन्हां दी जानो माल दी बरकत अदा करे। बहुत शुक्रिया जो सर। प्लीज प्रोसीड जी। मेरे सामने मेरे भाई कर्नल मोहम्मद अजमल साजर राजा साबित उम्मीदवार कौमी असेंबली अल्पयाल वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी और बुनियादी रुकन, इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं इलाका के लिए, वेलफेयर के लिए, सुआ के धरती के मायाना सपूत, मुल्क और इलाका की बेहतरी के लिए हम वक्त को शाम। मेरी गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और अपने कलमात से नवाजें। करण मोहम्मद अजमल साबर राजा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بغڑی جاوید الپیال صاحب چودھری ظفر صاحب چودھری شبیر صاحب چودھری تلویر صاحب جو اس مانجھ راجپوت الپیال قبیلہ کے ٹیم ہیں اور جتنے بھی تھے میرے بزرگ میرے بھائی میرے چھوٹے بیٹھے ہو سارے لوگ میری طرف السلام علیکم मैं आज मेरे ख्याल दूसरी कॉन्फ्रेंस है जी इस जगह पर हो रही। पिछली भी कॉन्फ्रेंस मेरी इतने मौजूदगी सी लेकिन बिच में मेरे जाना पै गया सी। बड़ी खुशी हो रही थी मैं ये देख के और मैं मंझ राजपूत अल्पयाल कबीला की टीम नू और बिलखसूस अपने मीड़े जावेद साहब जो हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन है और चौधरी जफर साहब इन्हों की कामशा नाल अज ये प्रोग्राम दोबारा मुनक्द किया गया। मैं अल्पयाल वेलफेयर ट्रस्ट और प्लस खास तौर पर मंझ राजपूत कबीला की टीम को मुबारकबाद पेश करना कि इतना माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम बनाया इतने किया और सारे अल्पयाल मौका मिले कि सारे इतने आके अपनी कम अज कम
अपनी तारीख के बारे जो थोड़ा बहुत इतने गलबात हुई वो बड़ा फखर होता है इंसान को कि जी तुम्हारे किस कबीले का तलक है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता कि मैं मेरे जदे अमजद उन्होंने कदम छे बह के अज थोड़े नाल फिर गलबात हो रही। ये तुसा उसी पता कि इतने तो असं आपस में लगे रहने लेकिन अगर तुम अपने धरती तो थोड़े जे दूर चले जाओ किसी दूसरे शहर में चले जाओ पाकिस्तान में किसी दूसरे मुल्क में चले जाओ और अगर तुम्हारू अपने इलाके का कोई बंदा मिल जाए कि सिर्फ वो इतना कहे कि मैं मेरा तलक पिंडी तो है तो बड़ी खिचखिचाहट जी होती बड़ी खुशी होती कि चलो अपने इलाके का बंदा है। लेकिन उस तू अगे अगर ये पता लग जाए कि जी एक मैं चौतरे तू हाँ तो उस तू होर ज्यादा खुशी होती कि यार ये तो मेरे अपने इलाके का बंदा है। और उस तू अगे अगर ये पता लग जाए कि जी मैं मांझला जूत हाँ तो मैनू तो यकीन करो इतनी खुशी होती अपना किसी मंझ को मिल के किसी जगह से बाहर भी हो गए ते लेकिन ये समझ नहीं आती कि असी अपने इलाके में जिते एक दूए का लगे पढ़ते रहने। चौतरा मशहूर है पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाओ चौतरा मशहूर है लेकिन माजरत नाल वो मशहूर है थोड़ा नैगेटिव सेंस नाल कि असी इतने बड़े जंगजू जे हाँ सारे इतने भिड़ते रहते हैं कतल आम हर दूसरे दिन इतने थाने कतल की रिपोर्ट होती है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के विच आके ये साडा जिहड़ा इकट्ठ होया इस विच अज चौधरी तलवीर साहब जैसे प्रोफेसर साहब जैसे भी लोग हैं इस विच आरिफ साहब जैसे भी लोग हैं ठीक है इस विच इन्हां दी गल्लां सुन के मैं तो बड़ा मुतासर होया। आरिफ साहब मैं तुहाडे नाल इतना मेरा नहीं है उस तरह वाकफियत इतने ही मेरे ख्याल लास्ट टाइम की मुलाकात हुई तो शायद एक आधे और अपने अल्पाल वेलफेयर ट्रस्ट की बड़ी मैं खुशी हो रही कि माशाल्लाह तुम इतना अपना इंटलैक्चुअल थोड़ा सोच है और एक अपने आप से गल कर अपनी गल समझा का अदूर भी है माशाल्लाह। और मैं तो जमीर साहब थोड़ा भी बड़ा मशहूर हाँ कि तुम कोशिश करके अपने इलाके के लोगों को पढ़ाने वास्ते जो कॉलेज इंस्टीट्यूट है जिसमें ट्रेनिंग देना चाह रहे हो मैं ये तुम्हें दसा कि सियासत में आने से पहले मैं वो दिन भुलता नहीं जिस वे ब्रिगेडियर साहब चौधरी जबरत साहब चौधरी जफर साहब और मैं और मेरे बड़े भाई साहब असी चार पांच बंदे इकट्ठे हो के ये सियासत में आने से पहले की गल है तो असी ये सोच विचार किया कि यार असी सारे लोग पढ़ लिख गए हैं फौज में रहे हैं कुछ वैसे चौधरी साहब सऊदिया रहे लोगों की बड़ी खिदमत करते रहे तो असी चौधरी जबर साहब वो क्योंकि उस वेले सन बैतुलवाल तो उस तो बाद उन्होंने स्वीट होम का भी चार्ज लिया लेकिन वो बैतुलवाल के उस वेले उसने एम पी सन चेयरमैन सन सॉरी असी ये आपस में बैठ के सोच विचार किया कि असी अपने इलाके से कोई काम करिए किस तरह करिए। उस वेले एक ट्रस्ट नाशा कोई नहीं सी लेकिन असी बैठ के सोचिया कि की किया जाए उस विच फिर एक दो मीटिंग्स विच ये डिसाइड किया गया कि एक ट्रस्ट कायम किया जाए जिहड़ा असी अपने इलाके के लोगों की खिदमत कर सकीए। उस वेले कोई ऑब्जेक्टिव है सच सामने नहीं सन लेकिन असी ये ऑब्जेक्टिव एक ही सी कि अपने इलाके के लोगों की खिदमत की जाए अगर साडे कोल कोई चीज़ है तो असी अपने लोगों के नाल शेयर करिए ताकि वह भी इसको फायदा उठा सकन ये बेसिक साडा ऑब्जेक्टिव सी। उस तो असा शुरू करके अलहम्दुलिल्लाह अल्पाल वेलफेयर ट्रस्ट बनिया उस ब्रिगेडियर जावेद साहब की बहुत कोशिश है इन्हों की कोशिश की वजह तो यह रजिस्टर भी होया और असी तकरीबन अपने इलाके के बिला तफरीक ये ट्रस्ट जोड़ा ये सिर्फ अलप्याला नहीं है ये इतने जितनी भी कौम हैं बाकी जोड़े साढ़े भ्रा हैं जो इतने वसते ये सारे वास्ते है और ये बिलखसूस इस इलाके के जोड़े गरीब लोग ये उन्होंने भी है तो असी पूरे इलाके तकरीबन हर यूनियन काउंसिल फ्री मेडिकल कैंप लाए फिर उस तो बाद एक सिलसिला शुरू किया
अपने इलाके दे विच तमाम स्कूलों दे विच आए कैंप्स लाए असी बहुत सारे बच्चों नू मेरे को जबानी पूरा रिकॉर्ड नहीं है लेकिन अलहमदुलिल्लाह असी अपने चौतरा दे इलाके दे विच कंसंट्रेट करदे होए असी अपने तमाम स्कूलों दे विच एक कैंप ला के जिहड़े जिहड़े बच्चों की पेरेंट्स को पता ही नहीं सी कि उन्होंने बच्चे की नज़र कमजोर है या उसको एनक की जरूरत है या उसको ऑपरेशन की जरूरत है वह अलहमदुल्ला वह सारे ट्रस्ट के थ्रू असा यह सारा काम किया है। उस तो बाद फिर एक क्योंकि एक काम तो असं कर रहे सर फिर एक सोच आई कि असं एक काम तो करी जा रहे कोई व्डा काम करिए इतने फ्री मैडिकल कैंप चौधरी समुद साहब की उन्होंने तरफों कुछ आ जाते सर कुछ ब्रिगेडियर साहब कोशिश करके लै लेंगे सर उस कंट्रीब्यूशन यही सी असं लोगों को लैके जा रहे सर कैंप मुख्तलिफ जगह पर लेकिन असं क्या कोई व्डा काम करिए तो उस वे साड़ी सोच विचार आई भी एक हॉस्पिटल बनाया जाए क्योंकि इस इलाका साढ़ा जाहिर है इस्लामाबाद इतने नज़दीक हो लिया भी मैं कोई सियासी गल नहीं करना चाहता लेकिन मैं ये समझना कि इतने इस्लामाबाद के नज़दीक होने के बावजूद असं बहुत पिछे हैं और इस वास्ते चलो असं कोई हॉस्पिटल ऐसा बनाइए जिस विच असं अपने लोगों को तो हॉस्पिटल क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है बहुत सारे सूबे के इतना बड़ा हॉस्पिटल शायद साड़ी कैपेसिटी नहीं सी असी फिर एक चीज़ से कंसनट्रेट किया कि मदर चाइल्ड यानी माँ और बच्चा वो हॉस्पिटल बनाओ क्योंकि अक्सर ये खबर सुनी दी सी कि साड़ी औरतां कोई अगर हमला कोई कॉम्प्लीकेशन आ जाए तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट करते हो या रस्ते में ही उन्होंने फौत हो फौतगी हो जाती ये सोच के तो असी ये किया कि चलो असी कोई ऐसा अपने इलाके दे विच ऐसा कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकी है ताकि लोग उत्थे जा सकन तो साड़ी कोशिश है अलहमदुल्ला इस विच मैं असी सारे ट्रस्टीज का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन जरूर है लेकिन मैं ये चाहता कि तुसी खास तौर पर ब्रिगेडियर जावेद अल्प्याल वास्ते एक बार ताली बजा दो क्योंकि अच्छा बच्चा अस्पताल इलाका भर की जरूरत है। तमाम हाजरीन के अपील है कि बढ़ चढ़ के फंड रेजिंग हिस्सा लो ताकि जल्द अज जल्द पाए तकनीक तक पहुँच जाए और इंसानियत की खिदमत शुरू कर सके। चौधरी मसूद अनवर साहब पिंड मल्लू तो उन्होंने 50,000 रुपये का ऐलान किया अस्पताल अल्लाह बाग कबूल मंजूर करे और उस तो बाद जी कंस्ट्रक्शन होनी है मजार मुबारक की इस तरह एक ऑफिस भी बना रहे हैं कि अगर असी साढ़े जो आंदा आम दिनों में भाई उसके कोई बहन की जगह हुआ है कुछ तारीखी चीज़ें असं संभाल के रख सकी उत उसका भी संगे बुनियाद रखा गया ब्रिगेडियर जावेद अल्प्याल साहब खिताब किया उसका उस वास्ते भी तमाम आवाज अपील है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लाओ ताकि जल्द अज जल्द दफ्तर भी बन सके साढ़े सोड़े पौन की जगह भी बन सके और बाबा जी के मजार मुबारक जी तमीरात रह गई हैं वह भी मुकम्मल हो सकन। मैं रिक्वेस्ट कर सफर साहब हाँ कि ब्रिगेडियर साहब दावत दें। शुक्रिया। मेरे पास अभी डोलियाल गांव वालों की तरफ से ये तजवीज़ आई है कि रामदेव गांव का नाम तब्दील करके चक राय जलाल खान रखा जाए क्योंकि अब हम सब मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुके हैं और रामदेव आपके एक खादम हैं थे जिनके नाम से गांव मंसूब है। अगर आप सारे लोग आज इस मजमा में तायद करते हैं तो हाथ खड़े करें कि क्या हम ये कर दें उसके लिए जो भी एफर्ट्स हैं कौमी सतह पर हम वो करना चाहेंगे। मेरा ख्याल है शबीर सर सारे दोस्तों ने इसकी तायद कर दी है और हम इज्तिमा आज ये करारदाद मंजूर करते हुए जनाब ब्रिगेडियर जावेद अल्प्याल कर्नल अजमल राजा आपसे गुजारिश है कि आप इस काम को आगे चलाएं। मैं चेयरमैन अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट को बुलाने से पहले इतना बता दूं कि जुमरत खान वो पैटर्न हैं मकसद अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट के वो आज नागुजीर वजूहात की वजह से यहाँ नहीं बैठे आए थे सुबह दुआ में शामिल हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जुमरत खान साहब हमारी शान वो आन हैं वो कला की तहरीक को या सिकंदर को काबू करना आप सबसे आगे पाए गए रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जुमरत ब्लाक आपकी अजमत का मुंह बोलता सबूत है और आज पाकिस्तान स्वीट होम की सूरत में जो इदारा वो चला रहे हैं उसकी मिसाल भी शायद
सदियों में ना मिल सके। मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहूंगा, गरजे तो पहाड़ों के जिगर चीर के रख दे, गरजे तो पहाड़ों के जिगर चीर के रख दे, अड़ जाए तो तकदीर के पर काट के रख दे। मौजूद मेहमानाने ग्रामी, इंसान को अशरफ मखलूकात बनाने की सबसे बड़ी हिकमत जो नजर आती है वो इंसानियत की खिदमत है, वरना जानवर भी तो अपनी जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं। आपको अगर इस खिदमत की लज्जत का पूछना हो तो पैटर्न अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट या चेयरमैन अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट से पूछें, वो आपको बताएंगे कि खिदमत खल्क क्या है। इसी खिदमत का जज्बा रखने वाले चेयरमैन अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट जनाब ब्रिगेडियर मोहम्मद जावेद खान अल्प्याल और मुझे उनके साथ जनरल सेक्रेटरी काम करने का मौका भी मिला है और जो कुछ सीखने को मिलता है वो भी लाजवाब है। आप हर वक्त अपने कबीला के लिए कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी समझते हैं, बेशक इनके अल्प्यालों की खिदमात को सदियों तक याद रखा जाएगा। मैं इनके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि ब्रिगेडियर साहब, आपने सहरा में खिलाए हैं जो औसाफ के फूल, आपने सहरा में खिलाए हैं जो औसाफ के फूल, देर तक दूर तलक जाएगी उनकी खुशबू, रूह दर रूह रहेगा ये तसलसल कायम, अगली नस्लों को भी महकाएगी उनकी खुशबू। साथियों, मैं ब्रिगेडियर साहब को बुलाने से पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी अपनी निश्चितों पर खड़े होकर भरपूर तालियों में ब्रिगेडियर मोहम्मद जावेद खान अल्प्याल चेयरमैन अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट की बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करें। तशरीफ लाएं सर। चौधरी फजल साहब का कि वो दुबई से कल रात को ही पहुंचे हैं सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, और मैं ये भी बताता चलूं कि बहुत ज़्यादा मेम्बरान कबीला से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे पास मौजूद हैं और उनकी बहुत बड़ी खिदमात हैं कबीला के लिए। आप सब मिलकर उनको खराज तहसीन पेश करें ओवरसीज पाकिस्तानी को, और बहुत ज़्यादा तालियाँ उनके लिए होनी चाहिए। वो सब के लिए रीढ़ की हड्डी रखते हैं, चाहे कबीला हो, मुल्क हो, खानदान हो, वो बहुत ज़्यादा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दूसरी बात, जुनूद खान साहब ने पैगाम दिया है कि पाकिस्तान स्वीट होम में यतीम बच्चों के लिए जो क्लासेस का जना है अगले महीने हो रहा है, उसमें मुख्तलिफ उम्रों के बच्चे और बच्चियाँ लिए जाएंगे जिनकी सारी तालीम सदीक पब्लिक स्कूल में होगी, और उनकी कोशिश है और बल्कि ख्वाहिश है कि हमारे इलाके से भी ये बच्चे और बच्चियाँ जो यतीम हैं वो वहाँ पर पढ़ें। और उस सिलसिले में जो आपके अड़ोस पड़ोस में बच्चे बच्चियाँ ऐसे हैं उनका इंदराज आप चौधरी तनवीर साहब के पास अगली 10 तारीख तक 10 मार्च से पहले पहले करवा लें, ताकि फिर हम उनको वहाँ दाखिला दिला सकें। हजरात, अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट ने कुछ दोस्तों के लिए इनामात का ऐलान किया है, मैं बहुत जल्दी बल्कि 5-10 मिनट में उसको ख़त्म करते हुए ब्रिगेडियर साहब से गुजारिश करूंगा, और चेयरमैन मंज रजपूत अल्प्याल कबीला जनाब चौधरी शबीर साहब तशरीफ लाएं, कर्नल अजमत साहब भी तशरीफ लाएं, ताकि हम उनको दोस्तों को हौसला अफजाई कर सकें।
फानूस दिए हैं और आप उसको देख चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि दोनों भाई तशरीफ लाएं, ब्रिगेडियर जावेद अल्प्यार अल्प्यार वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से उनको शील्ड देना चाह रहे हैं। मौजूद हैं अगर जी चौधरी अजरम साहब जल्दी आओ जी। इस दौरान मैं इस दौरान एक मंझ राजपूत अल्प्यार तारीख के आने में किताब है जिसका एक स्टाल लगेगा, इसी वैसे कम से कम कीमत 850 है, लेकिन गुजारिश है कि तुसी जितने दे सकते हो क्योंकि इसका फंड सारा अस्पताल है। वैसे एक थोड़े अगर गुजारिश है कि एक किताब जरूर खरीदो क्योंकि ये जड़े इसकी कीमत है वो सारी अस्पताल है। वैसे बड़ी मेहरबानी जजाक अल्लाह। चौधरी अजरम साहब किधर भी हैं वो तशरीफ लाए। चौधरी अजरम साहब मेरा अजीज भाई चौधरी नवीन अफलम राम जिसकी तारीफ के लिए शायद मेरे पास अल्फाज ना हो, मैं प्यार में तो उसको बहुत कुछ कह जाता हूँ लेकिन अब शायद पब्लिक में कुछ ज्यादा ना कह सकूं। दिलो जान से जो कुछ आप ये सारा देख रहे हैं ये इस शख्स की कावश है। दोस्तों के साथ मिलके इसने इंतहाई मेहनत की है और आप ब्रिगेडियर जावेद अल्प्यार अल्प्यार वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से शील्ड ले रहे हैं। चौधरी नवीन लमे राम दिन रात शबो रोज मेहनत करते हैं। जितना कम होया फिजिकली सारा साढ़े भाई कीता जी तन तनहा अल्लाह पाक खुश रखे। सर मैं गुजारिश करूंगा ब्रिगेडियर जावेद अल्प्यार खान साहब से कि आप अल्प्यार वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से चेयरमैन मंझ राजपूत अल्प्यार कबीला को शील्ड दें। तालियां जी तालियां। कुछ दोस्तों के लिए ब्रिगेडियर साहब ने अपनी जेब से नकद इनाम भी देने का ऐलान किया है, मैं उसको भी बुलाऊंगा और मैं ब्रिगेडियर साहब का बहुत ज्यादा मशकूर हूँ कि वो हमेशा बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं सबसे पहले जनाब अदनान रजा अगर मौजूद हैं आपके लिए ब्रिगेडियर साहब ने अपनी जेब से 25,000 रुपए का ऐलान किया है। नवीद आप फिर तशरीफ लाए क्योंकि ब्रिगेडियर साहब आपकी मेहनत काविश के खुश हैं और इन्होंने आपके लिए अपनी जेब से 25,000 रुपए का ऐलान किया है। हमारे सामने बहुत ब्रिगेडियर साहब ने तहसीन जमाल साहब के लिए जो खाका पेश किया है उनके लिए भी 10,000 रुपए का ऐलान किया है, वो मेरा ख्याल तशरीफ नहीं रखते और अदनान आप उनके लिए शौकत शौकत रजा साहब अगर करीब हो तो वो वसूल कर रहे हैं। आगे आगे वो तो नहीं जमाल दीन तो नहीं चेयरमैन साहब ने मंझ राजपूत अल्प्यार के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया वो भी अपनी जेब से और मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने हाथ से
चेयरमैन मांझराज बूटल प्याल कबीला चौधरी मोहम्मद शबीर साहब को ये दें। हाजी इरशाद साहब पढ़ियाल अस्पताल आस्ते 500 रुपया प्रोजेक्ट साहब दे हवाले कीता, अल्लाह पाक कबूल करे। बड़ी मेहरबानी, जजाक अल्लाह जी। नमान एक मिनट, नमान 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 सब दिस हां कप्तान तू नेड है, लेट हो थोड़ा सा इतना होता कि अच्छा मैं गुजारिश करी सा मरकजी मजलिस शूरा मांझराज बूटल प्याल कबीला दे तमाम अहुदेदारां नूं कहि के ओ बराए करम जल्द अज जल्द स्टेज दे सामने आ जाओ। अच्छा हुण चेयरमैन मरकजी मजलिस शूरा मांझराज बूटल प्याल कबीला जनाब ब्रिगेडियर जवेद प्याल साहब नूं एजाजी शील एजाजी सुनियर पेश कर सकदे। सुनियर मरकजी मजलिस शूरा मांझराज बूटल प्याल बड़े कंजूस हो भाई इस मामले राय साहब मैं हूं इतना आया ना। अब चेयरमैन मांझराज बूटल प्याल कबीला चौधरी शबीर साहब सरप्रस्ते आला मांझराज बूटल प्याल कबीला और जनरल सेक्रेटरी अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट जफर चौधरी साहब को सीनियर पेश करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह तालियां बजाओ जी। चेयरमैन मंत्री मजलिस शूरा मांझराज बूटल प्याल कबीला शबीर चौधरी साहब अभी पेश जमरुद खान साहब के बिहाव पे उनके भतीजे शील चौधरी वासिफ साहब रिसीव करेंगे। जमरुद खान साहब सुबह तशरीफ ले आए सन साढ़े नाल उन्हें के दुआ भी मंगी दरबार तक लेकिन वो जो कैडेट स्कूल है उसके जो हसन बानी उन्होंने वफात हो गई तो फिर उन्होंने चली समय आज उठा भी उन्होंने मिलना जरूरी है इस वास्तव उन्होंने तरफ उन्होंने भतीजे आए तो असं इन्हें भी खुश हमदीद आख रहे हैं जी बड़ी मेहरबानी। सदर मरकजी मजलिस शूरा मांझराज बूटल प्याल कबीला एजाजी शील के सन कर्नल अजमल साबर राजा साहब उन्हों की बेपनाह खदमात एतराफ थाड़ियां जी। ये शीलां होंदियां मुफ्तां वधाउण वास्ते थाड़ियां जी थाड़ियां। अदनान रजा साहब आओ जी कबीला की तरफ शील रिसीव करो। चौधरी अदनान रजा आफ पड़ियाल। अच्छा मास्टर अमीर साहब तेरी तू पिछले साल भी इन कॉन्फ्रेंस के दौरान कुरान खवानी इन्होंने मदरसे के बच्चे की और दुआ भी नहीं कराई। इस साल भी मदरसे के बच्चे आए और उन्होंने बाबा जी के मजार तक कुरान खवानी की उन्होंने भी कपीला की तरफ शील दी हुई सी। मैं गुजारिश करना कि मास्टर साहब आन और अपनी शील वसूल कर दो बारी दुआ मंगी दो बारी तालियां मारो।
तहसीन जमाल साहब आओ जी, तहसीन जमाल साहब नदी के नाल नाल शहीद करो। शौकत राणा साहब तशरीफ लाओ जी। मैं गुजारिश करसा जिया अहमद राजपूत साहब, डॉक्टर जिया राजपूत साहब, चौधरी फैसल मुराद साहब जी, मेंबर मरकजी मजलिस शूरा मांझ राजपूत अल्पयाल कबीला दे और बोर्ड ऑफ गवर्नर जेड़ा बनया अल्पा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट उसके भी मेंबर बेपुनाह खदमात नदियां जी, बाबा जी के मजार मुबारक है अपनी कम्यूनिटी। मैं चौधरी फजल साबर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और नेक्स्ट जो हमारे हैं उनको शील्ड पेश करें। याद रखें कि इससे पहले भी ऐलान हुआ है चौधरी फजल साबर साहब हमारे ओवरसीज की नुमाइंदगी करते हैं और स्पेशल इसके आज के इवेंट के लिए ये दुबई से तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया जनाब। ये वो लोग हैं जिन्हें मेहनत के काफ सेटअप बनया और चलता पे। चौधरी वहीद अख्तर साहब ऑफ गुलवाली मोड़ा, सीनियर नायब सदर मरकजी मजलिस शूरा मांझ राजपूत अल्पयाल कबीला, तशरीफ लाओ जी। चौधरी इमरान नईम आफ चक वली खान अगर मौजूद हों ताड़ी मारो। राजा जुबैर साहब आफ अदवाल, सीनियर मेंबर मरकजी मजलिस शूरा, चौधरी अजहर मजीद साहब फ्रॉम अदवाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरकजी मजलिस शूरा मांझ राजपूत अल्पयाल कबीला और जनरल सेक्रेटरी अल्पा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। चौधरी शाहिद हमीद साहब चीफ कोऑर्डिनेटर मरकजी मजलिस शूरा मांझ राजपूत अल्पयाल कबीला, मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने शील्ड वसूल करें। फ्रॉम संग्राल चौधरी आदिल साहब, चौधरी आदल फ्रॉम पड़ियाल कोऑर्डिनेटर मरकजी मजलिस शूरा मांझ राजपूत अल्पयाल कबीला, स्टेज पे तशरीफ लाओ जी और अपने आजादी शील्ड रिसीव करो। चौधरी आतिफ साहब फ्रॉम लंबे राह, उनकी शील्ड चौधरी रवि साहब वसूल करेंगे। चौधरी आसिफ साहब ये हमारे रेगुलर डोनर हैं जी और इसके अलावा भी दामे दर में सुखने हमारी तमाम तरह की एक्टिविटीज में हमारे साथ पार्टिसिपेट रहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा चौधरी आसिफ साहब से कि स्टेज पे आए और अपनी शील्ड वसूल करें। राजा फैजान साहब चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर मरकजी मजलिस शूरा मांझ राजपूत अल्पयाल कबीला, तशरीफ लाओ जी अपनी शील्ड रिसीव करो। चौधरी सुल्तान महमूद साहब फ्रॉम डुलियाल मेंबर मरकजी मजलिस शूरा मांझ राजपूत अल्पयाल कबीला, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, तशरीफ लाओ जी अपनी शील्ड रिसीव करो। जो सर चौधरी जमील साहब फ्रॉम गुलवाली मोड़ा, ये भी इसी तरह जैसे दान बेले का हमारी तमाम मजहबी तकरीबात में पूरा किरदार अदा करते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए और अपनी शील्ड वसूल करें। मुनीर अख्तर चौधरी साहब सेक्रेटरी फाइनेंस मांझ राजपूत अल्पयाल कबीला, लिखाई पढ़ाई के बड़े माहिर हैं जी, सारा हिसाब किताब यही रखते हैं, आज तक की जितनी एक्टिविटी है तमाम फाइनेंस ना कर रहा, बड़ी खिदमात उन्होंने दी है। मैं इन्होंने तालियां की रिक्वेस्ट करता सर के बड़ा कम है इन्होंने। अच्छा चौधरी नबीद इरशाद साहब ने जो इनाम दिता ब्रिगेडियर जावेद अल्पयाल साहब,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਤਾਮੀਰਾਤੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਅਫ ਲਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹ ਰਕਮ ਸੈਕਟਰੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੁਨੀਰ ਅਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਨਵੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। आपके जज्बे को सलाम जो साहब। फैसल चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस फ्रॉम पड़ियाल, पिछली कॉन्फ्रेंस में बड़ी इन्होंने मेहनत है, इस दफा ढिले रहे, बहर फिर भी शील्ड देने हैं ना, शायद अगली बार एक्टिव हो जाऊं, जो सब शील्ड रिसीव करो अपनी। तालियां जी चौधरी फैसल साहब। और पड़ियाल जी एंबुलेंस सर्विस चल रही उसके भी सारिया एफटा चौधरी फैसल साहब दिन इन्होंने बड़िया मेहनत एंबुलेंस सर्विस चलाने। चौधरी अजरम साहब तशरीफ लाओ जी, अपनी शील्ड रिसीव करो। महमूद अयाज चौधरी साहब फ्रॉम डेहरी, मेंबर सुप्रीम कोर्ट आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इनकी रहनमाई में साथ रही मुस्लिम विभाग पर हमारी रहनमाई फरमाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा स्टेज पर आए और जावेद इकबाल साहब से अपनी शील्ड वसूल करें। अच्छा कुछ शील्ड बैंड ऐसे भी है चौधरी अमाद फ्रॉम चक्री, ये भी बड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट हमारे साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज में हमारे साथ रहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए और अपनी शील्ड वसूल करें। बिलाल सरफराज सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर फ्रॉम मोहा, वो जगह है ना इब्राहिम की, जाओ उधर बैठ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और तशरीफ लाए। तनवीर साहब से गुजारिश है कि वो आए, प्रेसिडेंट एआईएलडी वो शील्ड दें बिलाल सरफराज साहब को। प्रोफेसर तनवीर साहब आए जी, मास्टर बिलाल सरफराज साहब टीचर है जी रामदेव स्कूल में, और ये जितना ये फंक्शन का वर्क हुआ है अहम किरदार अदा किया आपने, बहुत शुक्रिया। चौधरी मुजम्मल साहब मोड़ा अगर बैठे हुए तशरीफ लाएंगे। वकास भट्टी साहब जी फ्रॉम मोटा तशरीफ लाएंगे। वकास भट्टी साहब हमारी मंच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में बड़ा पॉजिटिव किरदार है जिनका, और अपनी जो हमारी तारीख मुनतब हो रही है उसमें चौधरी तनवीर अख्तर साहब के साथ बड़ा बहुत ज्यादा हेल्पिंग हैंड है। तनवीर अख्तर साहब फ्रॉम डेयरी, प्रेसिडेंट अल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, मेंबर मांझ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, अपनी शील्ड वसूल करें जी ब्रिगेडियर साहब से, कर चुके मुजम्मल साहब भी शील्ड देंगे। प्रोफेसर आरफ अमानत साहब हमारे मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत जगह पे हमारी रहनुमाई करते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा स्टेज पर से। नासिर भुलियाल चौधरी, नासिर फ्रॉम भुलियाल, मेंबर मांझ हिस्ट्री कौंसल, एक्टिव पार्टिसिपेंट है जी, ये तारीख के हवाले से बड़ी मेहनत है इनकी, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता करे, आए और अपनी शील्ड राजा नुमान अल फयाल साहब से रिसीव करें। राजा नुमान अल फयाल साहब, नासिर साहब को शील्ड दें। चौधरी सलीम मुमताज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। चौधरी वकार अल्पियाल साहब फ्रॉम पड़ियाल, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, हर जगह पे हमारी रहनमाई फरमाते हैं और जितनी भी गैदरिंग होती है उनमें इनका एक बड़ा पॉजिटिव रोल होता है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए और अपनी शील्ड वसूल करें।
ताड़ियां मारो यार, ऊपर छोड़ दिया ताड़ियां। अपने मांझ राजपूत अल्पयाल कबीला मरकजी मजलिस शुरा के जनरल सेक्रेटरी जनाब चौधरी अदनान अल्पयाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। याद रहे कि अदनान अल्पयाल हमारे वो भाई हैं जिन्होंने बुनियादी अरकान में से शामिल हैं, पाएंगे उसमें मैं आखिर में दावा दूंगा उस शख्सियत को, अपने उस प्यारे भाई को, जो हम सब को, मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ उसको कि जिसने हम सब को यहाँ पे लाने की वजह बना, जिसने ये तखय्युल किया, जिसने इस ग्रुप की बुनियाद रखी और फिर आज वो ग्रुप आपके सामने है कि इतनी जमे कफीर हम सब के सामने है। और अगर कोई हमारे से इस दौरान में कमी रह गई हो या कुछ चीज़ ऐसी आपको हमें हमारी पसंद ना आई हो तो हमें छोटा भाई समझते हुए हमारी इनको कबूल कीजिएगा। दो छोटे भाई नजर आ रहे हैं, मैंने कल उन्होंने बड़ी मेहनत की थी सारी दिहाड़ हाल की तजीन और रायश उन्होंने शीलना देना देती हो सी चौधरी असलम फरम पड़ियाल चौधरी शाहजेब फरम पड़ियाल आओ जी अपनी शीलना लाओ। माशाल्लाह जी तालियां जी बच्चा से चले बाबू।